chase the people. सभी को अभी कौन पैरों बस लिए हैं आपका पीएचई का पाइपलाइन ये ब्रिज से जाएगा वहाँ में है प्रोविजन तो पीएचई का नहीं है कुछ पड़ा है दोनों साइड में तो पीएचई का आपका वो जाएगा होगा सर एक नाम लगा नहीं आया तो उसमें दो लाइन आ रहा है एक एक इधर से आ रहा है ये न्योर्थ से दो आ रहा है एक लिखी के लिए एक डीआई लाइन आ रहा है 200 mm का और ये स्ट्रीम्स के लिए एक आ रहा है तो आई थिंक वो क्रॉसिंग करेगा होगा सर आप लोग का थोड़ा प्रोसीजन रख देने से दलाई वलाई में भी तो आई थिंक ये नवंबर तक मोटरेबल हो जाएगा नवंबर लास्ट तक क्योरिंग तुरंत आई नवंबर लास्ट ना दलाई कब शुरू करें दलाई लास्ट का महीना बारिश का महीना शुरू करें अभी तक नहीं है किसी बात की डिस्टर्ब हो गए स्ट्रेंथ रिइंफोर्समेंट तो खत्म हो गया ना तो इसमें कुछ से आप मेन चीज सीधा होगा ना कुछ कैम्बर करेगा कैम्बरिंग करेगा
एक्चुअली उसी में पानी जमने से तो प्रॉब्लम होता है ये सब। ठीक है क्या कंटिन्यू स्लाइड को जाने देंगे, डिस्कशन जो है थोड़ा बाद में करेंगे। चैम्बर क्या हुआ है? हो गया ठीक, वो तो मेन भीतरी है चैम्बर, वही खोल गया है चैम्बर का। आगे अभी जाओ स्लाइड को पता पता ऐसे करके बाद में जो नोट करके ना जो नहीं तो टाइम लगे। नेक्स्ट ये तरह है सिंगल ये इसका एक होता है स्त्री इसका नाम अच्छी हो पर पहला लग रहा है इसके का थोड़ा टाइम लगा और बारिश का रिश्ता बजे अदरवाइज लास्ट जून जुलाई में इसको देने का। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ ये सीसी पेमेंट का जो स्कीम है पास पेज ये खत्म हो सीसी पेमेंट का और जो हॉस्टल स्ट्रेच को लास्ट किया है वो अलग अलग स्ट्रेच है ये हो देते हैं वो मिले जाते हैं हम लोग का प्रपोजल लेता भी नहीं
जियो तक ही यहाँ लोग ढूंढ ढूंढ के वो लोग ले जाता है जियो तक इस टाइप का है। ये वुमेन भी पता ये अच्छा चक्कर है उनके तो वो लोग खुद ही कर और उसमें हमारा एक बहन है खुद इंजीनियर तो चीर रहा नीरिश की एक और पॉइंट क्या आप कहेंगे और इस तरह रॉक रॉक इन्हें 415 ये तरह तरह लगा तुरंत तुरंत क्योंकि तो अपना और हम इसे ये रिंग रॉक हो गए अभी तो इधर से रॉक है इधर से ये रॉक फॉरेस्ट क्लियरेंस तो लेना पड़ेगा और नेक्स्ट एक दूसरा है डबल एन स्टील घर का देश अरे हिंदी से का इन ब्रांडिंग को ये डी बजे के लिए का वजह ये का बहुत फ्रॉम ये जो वो हम फॉक्स मार्कू पहली पीस ये पहली प्रॉब्लम ये आ रहा ये भी डी बजे से तो ज्यादा नहीं क्या है ना ये नहीं का ठीक है फिर शुरू से स्कोर करो तो शुरू से ठीक है स्टार्ट अच्छा लोना ब्रिज है कौन सा लोकेशन है फोटो में जाता है ये कौन से वाला है क्या नाम है मेनली दो लाइन बड़ा वाला आ रहा है ये आपको नवंबर एंड में दे रहा है अदरवाइज उसका बाहर साइड में भी रख सकता है कुछ रोड एंगल कोस्ट देके ना बिफोर कास्टिंग में कुछ प्रोविजन रख देने से बाहर भी ले जा सकता है तो उसको मैं एक को बोल लूंगा आपका ए लोग को तैयार करने के लिए ना फुटपाथ का पूरा जगह खा देते हैं हाँ फुटपाथ में जाने से बहुत खा देता है पाइप 200 mm में ना इतना बड़ा है डी आई है तो पीएचई अपना से वो प्रोविजन देना होगा एंगल लेके अपने से देने से देना चाहिए अपना से देना चाहिए तो भाई ये महीने से आएगा ना उसके बाद फिर नवंबर नेक्स्ट नेक्स्ट फोटोग्राफ में जाओ उसे तो बात करना है आगे जा कास्टिंग का ओ हेलो ना भी नहीं बताना इतना गुस्सा देना प्रोजेक्शन इतने हैं इसमें कौन से रोड है पप्पू हिल
ऊपर जो उससे ऊपर जो जाता ऊपर जो वो पूरा उसमें गली गली कुछ टेंशन हो गया पूरा गली गली हो गया लेकिन एनएच से आपका वोमेन कमीशन तक रखा क्योंकि और अच्छा था। अच्छा नाला को क्या आप लोग बात किया अपना चीन में आपका साथ में बहुत से शायद नाला अपने इधर नहीं है ब्रेन और क्रॉस ब्रेन का और इसमें तो आप लोग जो काम कर रहे हैं वो पावर और पीएचई को और जस्ट उन लोगों के लिए एक पाइप एक तो डाल देने के लिए शुरू से मीटिंग में बोलते रहते हैं कि ये नहीं हो पाता है कारण क्या कॉम्प्रिहेंसिव डीपीआर जो बनाते समय नहीं लगा है अभी तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेज में आ तो इसमें अभी ये कंस्ट्रक्शन जो है दे दे रहे हैं अभी 100 मीटर में प्रोविजन करते हैं इसको उसमें क्या है क्रॉसिंग और या फिलिंग करके रास्ता है क्रॉस के लिए उसमें क्रॉसिंग कर सकते हैं यहाँ में तो नहीं रखा है जैसे लगता है नहीं रखा है रखा है यहाँ रखा है हाँ सब में पहले नहीं था अभी सब ऐसे क्रॉसिंग इसमें सर ये ओसीसी पेमेंट जितना रोज हो रहा है ना सर अभी जितना जो हम लोग का जो पाइप है मैंने विद इन दी सीसी पेमेंट अंदर में रह गया सर तो अभी कहीं लीकेज हो जाने से हम लोग मैन नहीं कर पाया सर तो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें जो अभी कॉम्प्रिहेंसिव एस्टीमेट बनाते समय में उसको कोई पाइप का कोई केयर नहीं किया इलेक्ट्रिकल शक्ति का कोई केयर नहीं किया अपना रास्ता ही बनाने के लिए प्लान कर लिया था सर तो अभी उसी हिसाब से अभी मेरा पाइप पूरा अंडर दब गया पहले भी हम लोग एक बार एमएलए साहब लोग मीटिंग हुआ था बना उस समय भी बोला था कि पाइप कहीं कहीं डैमेज हो रहा है कहीं कहीं शिफ्टिंग होना है कॉन्ट्रेक्टर हैज टू बियर द कॉस्ट लेकिन हम लोग पीएचई काम कर देगा दैट वाज द अर्लियर डिसीजन इन दिस चैंबर लेकिन वो नहीं हो रहा सर उस दिन जो यहाँ बात हुआ अभी हम लोग ऐसे करेंगे जो भी हम लोग का रोड अभी आगे ऐसे बनाएगा तो इसको इन लोगों को सर्कुलेट कर दे तो जो करना है आपको पहले करने के बाद फिर आप लोग ये सब में तो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन नहीं हुआ लेकिन फर्दर जो अभी नेक्स्ट फेज टू से हम लोग इलेक्ट्रिकल वाला को भी कहाँ कहाँ हमारा रोड जाने वाला है क्या करना है वो सब मेरे पास में मटेरियल नहीं ना सर मटेरियल होने से तो हम लोग इधर उधर शिफ्ट कर सकता था मटेरियल नहीं है हम लोग का कुछ स्कोप नहीं है पैसा नहीं है तो हम लोग कंपनी को भी एडवांस पेमेंट करना पड़ता है पैसा देकर तो भी पाइप आता है तो ग्राउंड में जब काम शुरू करते समय में ये कॉन्ट्रेक्टर लोग तो दमादम दलाई करना शुरू हो जाता है ना रुका सकता है हिंड्रेंस देना भी तो तकलीफ होता है तो ऐसे ऐसे हो रहा है सर डिपार्टमेंट का डिफिकल्टी इसमें डिपार्टमेंट ना अभी हम लोग जो करने वाला है डिपार्टमेंट आके सजेस्ट भी कर सकते हैं इसमें ऐसा कर दो इसमें ऐसा कर दो पाइप बाद में आने से इधर से जा सकता है वो भी एक फिजिकली ना क्योंकि हम लोग तो मैंडेटरी 100 मीटर में रखते जा रहे हैं हो सकता है आपको दूसरा और एक जगह में जरूरत पड़ेगा तो यहाँ आप कर दो जैसे बोलने से एवरी जंक्शन में रख देना सर क्योंकि एवरी जंक्शन में क्या होने से एक रोड जाएगा उसका साथ में तो कॉलोनी घर तो है ये बहुत साइज है तो उसमें एवरी जंक्शन में आप लोग कंप्रेसर एक रख लेना है क्योंकि उसमें तो जाएगा ही जाएगा उसके बाद में अलावा और एवरी स्ट्रेस में रख दीजिए जैसे आप लोग बोला 100 मीटर में रख रहे हैं माने वे आर इवर पॉसिबल तो एक ऑफिसर ना वो जेई होने से भी उसी समय में हमारा ऑफिसर टाई अप करके वो आपस में फिक्स कर लेने से इलेक्ट्रिक का भी अनुसार कर दे लेकिन लेकिन सर ये आप लोग का ये रास्ता है ना मैंने कोई भी हो इन जनरल जो अभी जो क्वालिटी है ना हमको तो इतना हाई कंक्रीट करने के बाद भी 2 साल में तो सर जाता है किस लिए ऐसे हो रहा है सर जाता है पूरा एरोज हो रहा है ना वो कंक्रीट एरोज हो रहा है हमारा पश्चिम रास्ता तो पूरा खत्म ही है 2 साल ही हो रहा है पश्चिम में क्वालिटी काम चल रही है पीपीसी यूज करने से वो जल्दी जल्दी मतलब ये हो रहा है जल्दी जल्दी बुखार जहाँ ओपीसी यूज किया वहाँ जहाँ में इंटेक्स हम लोग भी बोल गया और डिपार्टमेंट का अभी भी है ना ये क्या
तो उसका कारण से बॉन्डिंग साइन मेरा ख्याल से जल्दी होता है, इसके लिए स्टेबल रहता है वो सरफेस भी थोड़ा है। अभी क्या हो रहा है क्यूरिंग पहले से बहुत नंबर ओपीसी से हां ओपीसी और ये सीसी कर ले वो बोलो कोई होम नहीं करता ना तंगा में तो रात तो रात कुछ इमरजेंसी भी कराया बड़ा अच्छा ये वहाँ में कुछ कटिंग भी दिखाई दे रहा है मिट्टी कटिंग जो है बड़ा वादे नहीं वो मिट्टी कटिंग फिर नीचे आ जाएगा ना और उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अभी समर में नहीं हुआ अभी तो अभी इतना बारिश में नहीं हुआ ये तो हो चुका है नेक्स्ट 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 अप्रैल मई का तो ये कहाँ में है निबा हॉस्पिटल निबा हॉस्पिटल निबा हॉस्पिटल नीचे जो जा रहा है ब्रेस कॉलोनी वहाँ थोड़ा से और कुछ थोड़ा बड़ा करने से दिखता है वो भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन नीचे में आ गया है उसको भी थोड़ा कोई कोई जगह में थोड़ा कम है लगता है जगह जितना भी जितना जगह मिला उतना ही है तो इसको बाद में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह डिसीजन लेके फिर थोड़ा वाइडनिंग कर सकते हैं तो एनी टाइम जहाँ जहाँ वाइडनिंग करना है आपको तो जहाँ दलाई कर देना है नीचे वाइडनिंग मिलेगा एवरी सेक्टर में रास्ता का वाइडनिंग चाहिए सर ऑपरेशन करना है स्ट्रिंग आप जैसे कर रहे हैं जो पंक्ति में बने आचार्य धनाधन धनाधन कर देता है हमको बताता भी नहीं है कितना बोलते हैं लेकिन आपका पैसा जुड़ा देते हैं ये काम में था हेलीपैड का सामने इसको भी अभी शशि प्लानिंग किया है इंदिरा गांधी एकेडमी थोड़ा से बड़ा कर सकने से वहाँ में डेली मार्केट का बजे संडे में सब परेशान रहता है ये तो लास्ट ईयर जब किया था तब अभी वो आपका एलिपेड का एकदम सामने से उल्टा पथ हो गया अभी लास्ट नाइट रिपेयर पोलो पार्क का नीचे जो फर्स्ट लाइन फोर्थ का उस तरफ भी और लाइब्रेरी इंटरलॉकिंग वाला तो इसका अलग सा ही मतलब ये होता ना सीसी में नहीं आता है इंटरलॉकिंग ये छोटा छोटा गली के लिए सुविधा स्कीम डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ होता है ना क्या आपको पूरा ब्लॉक करके फ्लोरिंग करना तो ये बारे सुविधा है इंटरलॉकिंग में लोड कितना है लोड ये तो है लोड बेयरिंग ये नॉर्मल जो ये ये लोड बेयरिंग बोला ये एम का की है होता है उसका बाद फिर बाद में जरूरत होने से निकाल भी सकते इसमें प्रॉब्लम भी चला जाए असम में मैं मोस्ट ऑफ द रूरल रोड्स को इसी को यूज किया पैसा का कुछ फर्क है सीसी से चीपर होगा उसके बाद ये कार्पेटिंग से थोड़ा हायर है थोड़ा सीसी से चीपर है कार्पेटिंग से हायर है पोलो कॉलोनी नाम वही सर गेटिंग जो तो है ना वैसे लग रहे ठीक है मेरा 6 किलो में भी गेटिंग चोरा था इसमें ट्राई जॉनसन जी ज्यादा अभी तो सीसी रोड बहुत इम्प्रोवाइजेशन आता है इट वाज हॉरिबल
ट्रेनिंग भी लिया था नहीं मैंने पहले जो है थोड़ा केयरलेस मतलब कॉन्ट्रेक्टर में डिपेंड कर दिया ना जो डिजाइन रेशियो पे नहीं किया इसका कारण से अभी किया है अंकु साहब का वजह से हमारा बहुत बड़ा वायरल हो गया अभी सर ऐसा वो अंकु साहब को बोला आने के लिए बोला वो नहीं आया तो एक ए को भेजा है सोने वाला वो इतना लेट रहेगा उस समय में बोला था तो उस समय में आपका होने समय में इसी महीना लेट हो गया नहीं हुई है ना पोलो कॉलोनी का रास्ता तो सब जो जो जाता है वो मालूम होगा बहुत तकलीफ है ना होगी इसको अभी ये कॉन्ट्रेक्टर अगर काम नहीं कर रहा है तो हम लोग भी एक्शन लेना शुरू कर देगा आप लोग देख लीजिए हाईकोर्ट का तो अभी ठीक है डिजाइन ठीक से चल रहा है शुरू शुरू में फर्स्ट टाइम हाईकोर्ट आने का समय में ये हमारा आर्किटेक्ट है ना धावा सिरिंग धावा सिरिंग को इतना गली दिया सिंह बो के जस्ट विजिट करने आए क्या तुमने कोई कोर्ट नहीं देखा है इसे क्या कर सकता है रूम जैसे था ऐसे ही बनाना पड़ा तो अभी तो ठीक होना चाहिए इसका पर्सपेक्टिव अलग नहीं है ना इसका व्यू नहीं लगा ना ठीक है नेक्स्ट स्कीम तो नहीं है तो उसका कुछ फोटो है स्टार्ट नहीं हो रहा कहाँ में बनाएगा एक तो बाईपास हाँ हाँ बाईपास का तो पूरा पहाड़ गिर गया बहुत पहाड़ ही गिर गया दूसरा ये कल्पर्ट बन रहा है कल्पर्ट अभी थोड़ा अंदर अंदर कंप्लीट करके शुरू बना रहे शुरू कर दिया अभी कर देगा ना रेन खत्म हो मैंने गाड़ी तो पार्क करा देगा बाकी ना पुलिस कान भी ऊपर से आने वाला ना कोई बात नहीं डेवलपमेंट ऐसे होता है बाद में सेटलमेंट हो जाएगा पब्लिक नहीं होते हम लोग धर्मा ही नहीं है ना ये कहा में यौन कॉलोनी एफ सेक्टर का होगा यौन कॉलोनी एफ सेक्टर से अंदर होगा एफ सेक्टर तो होते हैं ना यौन कॉलोनी तो इसी का तो यही नहीं बनता है लेफ्ट में होते हैं ना ये स्टेशन का अंदर से रास्ता है ना वाल बना रहा है नाला बना रहा है ड्रेन है सर ड्रेन ये सब इंडिविजुअल स्कीम सीएमडीसी भी बोलता है आपका कोई काम करके रखा हुआ है क्या वो भी नहीं करते हम थोड़ा खर्चा देना है ना हम लोग को उठता जल रहा है अच्छा ये कहाँ है ये कौन से लोकेशन लेकी पब्लिक
लेकिन पब्लिक स्कूल में ऐसे जगह तो है गोलो विलेज जाने के लिए गोलो विलेज ऊपर गोलो नाला उस तरफ में उधर पालो मुक्त उधर लेकिन होस्टल है लेकिन पब्लिक स्कूल का होस्टल है वो एक होस्टल अपर मॉडल विलेज अपर मॉडल ना लगन स्कूल को सर जुलांग में एक तो सोसाइटी का बिल्डिंग है क्रिश्चियन की सोसाइटी है फर्स्ट फ्लोर जुलांग का कौन सा जुलांग मतलब ना हमारा ये जो हाई लास्ट को ये जो जेल है ना जेल कतरा हाँ जेल कतरा आ गया तो सब दीजिए कैमरा नदी का सामने स्कीम इसको भी हम लोग देखा था जाके नीचे ऊपर भी और लोग वाल बनाया नदी कंजस्टेड होते जाता है ना दोनों तरफ जाते बना बना के मोटा भी थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए ये अच्छा बनाया नाला को तब लेके नीचे ऐसे छोड़ना है यस वीडियो हां ये रास्ता काम आएगा लोगों के लिए आएगा सर ये ओपन तरफ जाना है जरूर आएगा सर क्यों नहीं आएगा फ्यूचर में तो हम लोग को एक्सपेंशन होगा ना सर ये मिट्टी पीलिंग कैसे ये रास्ता बन रहा है ना कुछ क्या बना ये मिट्टी तो रहेगा मैं चला गया ऐसे रोशन हो गया होगा एक्चुअली तो इंजीनियर लोग विजिट करो दे इसको साइट को विजिट करता नहीं है बहुत एटलीस्ट वन टाइम टू विजिट करो हम लोग को भी लेके जाओ ना कभी करो तो एक ग्राउंड रेक्टिफाई करना है तो तभी बोल देंगे सर इसको नेक्स्ट ये ब्रिज का तो एक दो दिन के अंदर में हमको देख के चलो टिकट आपको भी उधर ही बोला बोले अच्छा वो आप लोग का नेक्स्ट मेरा है ना पावर पॉइंट डाल के रखा है इसका ऐसा फिनिश है वहां पे जो इनपुट है सब अभी आगे बोलो या पीछे बोलो रुकना ही पड़ेगा आप लोग मेंबर है नॉट ओनली मैंने प्रेजेंटर नहीं है मेंबर भी है बैठना ही है याचुंगा ड्रॉइंग्स रॉइंग बना के दिखाओ ना तोरा
इसे आपके लिए खरीद के खरीदा नहीं, बाकी में लेके रखा है ये टीवी को आपके लिए हम लेके रखा है। सर ये हम लोग मेंबर है, आप लोग सुनना है आज मनन सभी को गुनगुन। एक हमारा है रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना रहे हैं 5 करोड़ का पीछे कन्वेंशन हॉल में, वहाँ में क्योंकि हमारे पास 1200 सीटर है, उसका बाद 100 सीटर है, 50-50 सीटर दो है, तो 200 सीटर एक सब जरूरत था, तो हम लोग ने ये एक बना रहे हैं। अभी हाल ही में टेंडर हुआ है, उसका बाद अभी ये कम्प्लीट होने प्रोग्रेस में, ये 3D एग्रीमेंट ऐसा होगा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आस्ते आस्ते बताओ हम लोग। और ये जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो काम ऑडिटोरियम ये का पीछे में ना उसका एग्जिस्टिंग हॉल का पीछे आप फिर डाउन है पता नहीं चल रहा क्या बताइए। ये ऐसा है ना, ऐसा है ऐसा पूरा सब कुछ होगा, लेफ्ट राइट पूरा छोटा सब बड़ा आप कर सकता है। ये ऐसे जाने ऊपर चलना है ना, ठीक है। तो मैंने ही हम लोग ये किया था, अभी 24 तक हम लोग खत्म करने की कोशिश कर रहा था, 200 सीटर का है, धीरे कर रहे ना ये 3D। अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक्चुअली ये इससे थोड़ा प्रोग्रेस हो गया, ये लास्ट महीना का था, यहाँ से रिटी होगा, ये काम हो गया तो असले आ चुका है। और हम लोग एक पार्किंग बना रहा है ये में ESS सेक्टर में 14 करोड़ का, उसको आपका 31 को खत्म करने का उस दिन में ये प्रगति में बोल रहा था, तो ये आपको कंप्लीट करने का टाइम पार हो गया बोला है। कंप्लीट मैंने सीएम का मीटिंग होता है ये प्रगति, उसमें बोल रहा था कि इसको पहले ही हैंड ओवर करने का टारगेट पार हो गया बोला। हम लोग काम पूरा खत्म हो गया, लिफ्ट इंस्टॉलेशन जो है ना 31 तक हमने लिख के दे दिया, 31 तक एक लिफ्ट खत्म कर दिया, बाकी जो है नवम्बर 10 तक जो है ना उस समय में तिथि को दिया था, तो उसी हिसाब से प्रोग्रेस लिख ही चल रहा है, इसका खत्म होने वाला है पूरा सिविल फायर फाइटिंग एवरीथिंग, ओनली लिफ्ट बाकी है, लिफ्ट में 3 लिफ्ट है ना, दो आप एक डाउन है और एक पैसेंजर लिफ्ट है, पैसेंजर लिफ्ट हो गया, एक जो है अप वाला लिफ्ट जो है ये जो 31 में खत्म होगा और नवम्बर 10 तारीख तक बाकी 2 लिफ्ट भी खत्म हो जाएगा, तो बता दिया। इसमें अब जो सीसी आप बनाया क्या फ्रंट में, ये रैंप जो है ना, हाँ सीसी बने रोड का जो है PWD कर रहा है, और थोड़ा और ऊपर थोड़ा से आप बने बनयंत्री का थोड़ा और ऊपर तक और उसको करने से ठीक था ना, और करेगा होगा ये। और दूसरा है वो आपका गिट्टी बालू रखने का वजह से असेंबली वाला में थोड़ा चेंडा हो गया, उसको PWD करेगा ना आप कर देगा, थोड़ा बहुत तकलीफ है असेंबली साइड में जो रोड जो है ना, हम लोग ने जो हमारा बात जो साइड में जो है ना रोड का बाहर में जो डैमेज हुआ वो तो हम लोग पूरा चारों तरफ नहीं, और रोड का बीच में डैमेज आपका बालू गिट्टी से हुआ ये इसका 3D एक्चुअली इसमें कार लिफ्टिंग था, लेकिन हम लोग ने इसका जो प्रोफाइल को देख के 3 लेयर तक जो मैन्यूअल कार पार्किंग मैंने पूछ सकता है, बाकी दो में ये करेगा स्टिल पार्किंग है तो लिफ्ट का देख है, ये अभी पूरा हर चीज हो गया, तो मैं इसकी सी बात पूरा पैनल निकाल दिया है, ये अंदर का एवरी फ्लोर में टॉयलेट फैसिलिटीज दिया है, टॉयलेट का वो टाइल्स वगैरह अच्छा से लगा दीजिए और सामान जो है अच्छा चीज लगाइए, अच्छा लग गया लगा लग चुका है, हाँ लग चुका है, लेबर चलते हैं। फिर ये गंगा मार्केट में 100 का है, इसमें उसमें 140 और 170 इसमें 100 इसलिए हुआ है, यहाँ में नीचे बेस में
9 टू 2 पार्किंग निकल है ना, पास बे ऊपर लास्ट फ्लोर जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ऑफिस बना दे रहा है। ये जो है एक्चुअली हम लोग नाथीपा शहर का सोच रहे हैं नहीं हो पाएगा, जनवरी 2020 तक खत्म कर दे, जनवरी एक महीना दो महीना का आमने सामने में ऊपर वाला ऊपर का पार्टी और नीचे का पार्टी जनवरी 23 24 उसमें खत्म हो जाएगा। अभी ये सब काम चल रहा है, पैसा मिल गई उसका अभी का अंदर का पूरा अभी काम चल रहा है, इससे ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है लास्ट महीना का फोटोग्राफ। ये फिर अपेक्स बैंक में स्टाफ का एक ऑफिस बना रहा है उनको अपेक्स बैंक वाला, ये पैसा पूरा सब कुछ मिल रहा है, अभी ये जो अक्टूबर महीना में हम लोग खत्म कर देगा, बाकी कुछ बचा नहीं है, सिर्फ काम बाकी है जो नीचे में जो प्रोग्रेसिंग वर्किंग प्रोग्रेस निकालेगा। क्या आइटम बाकी है, क्या आइटम बाकी है उसमें? ये ग्लेजिंग बाहर में जो शीशा डालना है, फायर फाइटिंग थोड़ा सा ये करना है, उसके बाद फिर एक्सटीरियर पेंट अंदर का पूरा हो गया, ये इसका प्रीवियस जैसे देख रहा है ऐसे होगा ना? ऐसा होगा, अभी आप देख रहा होगा ना, ये बैंक ही जाता है किया नहीं हो रहा ना, बैंक नहीं जा रहा, बैंक में प्रॉब्लम हो रहा है, एक्चुअली मतलब 3D और गेट को दिखा देना पड़ेगा। तो अभी ऐसा है ना, अभी अंश ये है, ये वाला अभी जो मतलब ये जो इस पार्ट को दिखाया इसमें एक्चुअली आइसोमेट्रिक में नहीं हो रहा, ये वाला शेयर में ना अभी इसको पेंटिंग करना, ये उसी से कलर करने से अभी पहले क्लास में चल रहा है, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला नहीं करना, ये अंदर का फ्लोर ठीक है वो जो दिखाई दे रहा है। हाँ क्लीनिंग नहीं किया, ओके अंदर का क्लीनिंग नहीं हो रहा था क्या, ये सब अभी पूरा हो गया एक्चुअली पुराना को पर फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए हम लोग टाइप 5 टाइप 4 टाइप 2 पूरा बना रहा है, इसमें इसमें टाइप 4 जो सेकंड यूनिट का था, टाइप 4 8 यूनिट अभी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट में चल रहा है, टाइप 5 और 5 का 2 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट है, इस पेज इसका अंदर में 10 करोड़ का अंदर आता है, ये भी पूरा अभी हम लोग दिसंबर में टारगेट दिसंबर में पूरा सबको खत्म कर देते हैं टारगेट। इसमें टाइप 5 जो है वो डायरेक्टर का रेसिडेंशियल बिल्डिंग एक टू टाइप है, टाइप 5 जो है लोग डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर लेवल में देते हैं, डायरेक्टर डिपेंड पी सेक्टर में बनाने का था, वहाँ कैसे चला गया? पी सेक्टर को छोड़ दिया, यहाँ में नया लैंड लेके उसमें, हाँ ये है इसमें जू रोड में, उसमें मतलब अभी पूरा मेरे अभी हम लोग बच्चे का बैरिक भी बना दे तो कम प्लानिंग का ये कर इसका स्टाफ का पूरा एकोमोडेशन हुआ अपना से इंडिपेंडेंट हो जाए, ये टाइप ऑफ का ये टाइप 5 का है, दो यूनिट ये अभी जो है एक फ्लोर में दो यूनिट है, फिर सेम उसी एरिया में टाइप 3 का बना रहा है, फिर टाइप 2 का 8 यूनिट का वो भी पूरा अभी हम लोग टारगेट लिया ऑलमोस्ट कम्प्लीट करते हैं, दिसंबर में ही कम्प्लीट करते हैं, फंड वन भी पूरा दे देंगे हम, ये टाइप 2 का ये अभी चल रहा है टाइप और ये एक इनका सेकंड फेज अगर इसमें इसमें थोड़ा सा मतलब कोर्स वेरिएशन हो गया तो इन लोगों ने इनकी उन्होंने बहुत ऑल्टरेशन किया था तो उसका सेकंड फेज पैसा में लिया आधा डेवलपमेंट का साथ ये उस प्रोजेक्ट में ये नहीं था, ये टाइप 4 का है ये अभी एक्चुअली पूरा हो गया, ये सब पूरा काम हो गया, प्लास्टर हो गया, अंदर का काम हो गया, लेकिन अभी फिनिशिंग चल रहा है फोटोग्राफ्स ये दो फ्लोर इसका अंदर में ये पुराना एक ये इसको काम खत्म करना था इलेक्ट्रिक कनेक्टिव का, अभी स्लाइड होकर गाड़ी घुस नहीं पा रहा है, बरेल ग्राउंड में इलेक्ट्रिक फर्नेस का हाँ।
बहुत पुराना प्रिय है। एक्चुअली दो साल जैसे गवर्नमेंट जो सेंशन करके पैसा नहीं दिया, लास्ट कोविड में पैसा पूरा दिया है, लेकिन हम लोग पूरा काम खत्म कर लिया। एक पाइप घुसाना है तो वो जो है फिजिकल आई 98% पैसा हम लोग 50% दिए इसको। इसमें अभी पूरा काम हो गया, फर्निस आंदर का पूरा काम करके, लेकिन ये अभी ऐसा फ्लड हो गया। ये MSW से जो लैंड स्लाइड नहीं हुआ, गार्बेज स्लाइड हुआ, गार्बेज स्लाइड होके ये अभी पूरा इम्पाउंडिंग होकर बैठ गया। अभी पता नहीं इसमें अगर ये पूरा ऐसा होते रहने से पूरा ले जा सकता है अभी बरेल ग्रांच में। अभी इसका अभी भी तो किसी का ओनरशिप भी नहीं है। नहीं नहीं, आप बोलिए ना क्या करना है इसको। जैसे भी लगा के तो ये फंड चाहिए ना, तो हमारा ये अप्रोच रोड पूरा खत्म कर दिया ना, मतलब अभी गाड़ी कुछ नहीं सकता है। तो ये ऐसे होके बैठा है, फंड देना पड़ेगा अभी। नहीं नहीं, उसको कहाँ में ब्लॉक है ये नीचे में, तो उसको क्लियर करने के लिए कितना पैसा चाहिए? वो तो पूरा जस्ट ऐसे पानी जाने के लिए नहीं है, ऊपर नाला कोई ऊपर से जो कटिंग चल रहा है ना, कटिंग चल रहा है, जैन गार्बेज का भी गार्बेज स्लाइड में MSW से भी गार्बेज स्लाइडिंग हो रहा है, तो उसको पूरा ही ओपन करके नीचे तक करना पड़ेगा, पैसा तो लगेगा। आप आमता इससे 2 करोड़ दे दीजिए और परमानेंट बना वॉल का प्रपोजल होने से भेज देगा। नहीं, भेजना है, पैसा मिलता है नहीं मिलता है बाद में, बेच तो देना है। ये पूरा गार्बेज लाइन, ये अब इसलिए रास्ता जो है पूरा हम लोग ये पूरा गार्बेज ये पहुंचने वाला है, ये अंदर का इलेक्ट्रिक कनेक्शन पूरा हो गया। ये हमारा यूपी का चौथा साइकिल पर खत्म हो गया। डायरेक्टर हाउस में रहते हैं इसमें हम बोलना चाह रहे हैं आप लोग का ये जो ये सर जो मॉनिटरिंग आप लोग का रिपोर्ट है ना, हम लोग को देने से ठीक है, क्योंकि हम लोग ने पेमेंट जितना भी वीडियोस है आप लोग मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है मॉनिटरिंग टीम जो है विजिट करने के बाद हम लोग ने पेमेंट किया। लेकिन अभी दुनिया भर का कंप्लेन बाजी आता है, हम लोग शो करना है कि DRMC ने उसमें पास हो चुका है, इसलिए हम लोग पेमेंट किया। वो कंप्लेन है नाम मिलेगा, वी शुड बी सर्कुलेटिंग एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ द ईयर का इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रोडिसन को समय कटा आपको दे देते हैं। हां, एक हम लोग को एक देने से ये फ्लड प्रोटेक्शन वर्क सी सेक्टर में लगाना है। नेतन साहब जैसे हम लोग भी मालूम नहीं है, ड्रॉप डाउन बताइए, सिर्फ हमारे यही जाके पूरा ढूं के ये करना पड़ा है, कुछ प्लाट कंट्रोल का है सालों की मॉनिटरिंग ये करके। जैसे एक्चुअली हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहता है, जब ये मॉनिटरिंग टीम DSC साहब मीट करके जो क्लियर किया है उसको हम लोग पूरा पेमेंट करते हैं, लेकिन काम भी करते हैं पेमेंट भी देते हैं। ये प्रोटेक्शन वर्क नीति बिहारी का नगर ये है ये प्रोटेक्शन द्वारा सी सेक्टर नहा लगा ये मॉनिटरिंग चार लोग का पूरा है यहाँ। ये सॉइल प्रोटेक्शन द्वारा चिंपू आईसीआर ये चार लोग का ये पूरा पूरा खतरनाक पूरा है बनाने का बात है, फायदा होता है किसी ने कर बना लेगा। SIT अपने 3 करोड़ का वो जो रोड में ये किया है, अभी काम चल रहा है, पैसा ज्यादा अभी नहीं किया। ये 79 लाख का टॉकिन अमाउंट दिया था, तो टेंडर प्रोसेस करके हम लोग ने अपने काम स्टार्ट कर दिया। और जो दूर से इतनी कोशिश कर रहे हैं खुल जाता है ना, और ये एक गोकुल में ही है, इसमें भी एक 150 लाख का चौथा साइकिल के लिए जो ये कर क्या बोलता है केवी का जो नीचे में पहले पानी नहीं खेती था कॉलोनी में इन लोग, ये सब पूरा अपना से लेके आया हुआ
फिर भी ज्यादा पैसा नहीं लाख कर दिया है, काम तो अभी बहुत हो गया था, पैसा का हिसाब से 36% ही कनेक्शन हो गया। जस्ट ये कंप्लीटेड आपने लिस्ट मांगा था तो फैमिली अपार्टमेंट कंप्लीट कर लिया, अभी तो कभी चल रहा है। ये सीनियर ऑफिसर गए इसका भी कंप्लीटेड ये हो गया, अभी आरी तक परसों ही मिला, अभी आरी का साथ अभी कंप्लीट पेमेंट भी कंप्लीट हो गया। और ये लेडीज में कंप्लीट हो गया, ये मैं बाइस नहीं किया था लेकिन पैसा भी हो गया कंप्लीशन कंप्लीटेड। ये 576 ये भी कंप्लीट हो गया बेटा, सिर्फ बिजली और पानी देने के लिए इसके रूप रहा, ये बस शायद पैसा देगा ये का बिल्डिंग यूनिट चाहिए, एक्चुअली रेंटल हाउसिंग है मतलब बीपीएल के लिए भी नहीं है, जो बाहर से जो लेबर काम करने आता है वो लोग 2-3 महीना उसमें अभी पॉलिसी, लेकिन गवर्नमेंट अभी चल रहा है कि उसको गवर्नमेंट अकोमोडेशन देगा कंटेंजेंसी और मतलब ग्रुप डी के लिए करने का बात चल रहा है। क्या कैपेसिटी क्या है उसका? 576 कहाँ पे? ये ऑफिसर ब्लैक का बदल है, अभी कुछ कंप्लीट हुआ? सब कुछ हो गया, इसलिए बिजली पानी देते हैं, इसके लिए पैसा नहीं देके अभी ये बार देगा सर। तो क्योंकि हम लोग अभी शिफ्ट भी करने जा रहा है, अभी हम लोग एक मॉडल हाउसिंग बनाने जा रहा है ये 20 करोड़ का, तो दे सकता का कोई कोटा कोई हासिल? हाँ वही वही इसमें से बहुत है, अभी हमको नाहरलगन का वो टक्कर कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट को भी हमको चाहिए, अभी ऐसा से भी देने इसमें छोटा सा 25 स्क्वायर मीटर का ये है, लेकिन एक एक आदमी को 3-3 यूनिट देने से वृद्धि वाला लग रहा है। ये यूपीआर इनोवेशन हो गया, सिर्फ एक ही काम बाकी, उसका हमें पार्किंग भी बना देना पड़ेगा, तो इसके लिए ये बार मतलब पैसा दे रहा है, इसलिए काम अभी शुरू ही है। ये अभी से पार्किंग चल रही है, दिसंबर में ये 2 फ्लोर ही डालना है, बाकी कुछ इनके ओपन है, उसके बाद सी लेवल तक वार करना है, लास्ट फ्लोर में मतलब रूफ पार्किंग भी है, स्टार्ट कर दिया। उतना ही है, हमारा ज्यादा नहीं है। थैंक यू, ठीक है। ये तो रिफ्रेशमेंट है, बाद में लंच भी है ना, आप लोग आके जाइएगा। अभी नेक्स्ट आप चाहिए क्या? हर भी दे दो और सब में म्यूजिक लगा के दो, किसी को लगा के बना के नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट ऐसा मंथली डीएलएमसी होते रहेगा। हाँ, ये एक्स्ट्रा सर्कुलर मिलते रहे मंथली, अभी मंथली की सपोर्ट मिले साल में ज्यादा ज्यादा तो 5% होता था, अभी गवर्नमेंट बना दे मंथली ऐसा इंस्ट्रक्शन आया और मंथली फंडिंग देना उस हिसाब से रुपया भी थोड़ा ज्यादा रहता है, अभी सिर्फ 12,000 मंथली सर पोस्टिंग ऑफिसर को ना मैंने स्टेशन में रहने के लिए एक चार मिनट Gracias.
कीबोर्ड से नहीं होगा। गुड मॉर्निंग अभी को मेरा नाम तारा मंगू है, ईटानगर का पी एच का है। और रिसेंटली हमारा नाहरलगन का भी एग्जीक्यूटिव डिवीजन क्रिएटेड हो गया, तो इसलिए नाहरलगन का हम आज बात नहीं करेंगे, जो ईटानगर में जो जो हो रहा है सब। तो हमारा पीएचई में क्या होता है, हम लोग मेनली 3-4 कंपोनेंट्स का काम कर रहे हैं। तो नंबर 1 बी है, नंबर 2 है जेजेएम है, नंबर 3 अमरुत है, नंबर 4 एसबीएम है। और एसबीएम है 2019 में ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। और दिस जेजेएम इन एसबीएम ऑफ इज मॉनिटर्ड बाय द यूपीआर डिप्टी कमिश्नर। इवन दो हम जितना हो जैसे भी हो, जैसे हमारा कैपिटल डिवीजन कैपिटल डीसी को तो रोज हम लोग एवरी मंथ में हम लोग प्रोग्रेस करके फीडबैक करते ही है, फिर भी चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फाइनेंशियल प्रोग्रेस ठीक है। मेरा छोटा छोटा स्कीम्स है, ये प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई टू कोंको रिची होका जुलन है। तो इसमें 6 करोड़ का ये काम था, तो इसमें पूरा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 90% कम्प्लीटेड है फिजिकली एंड फाइनेंशियली। तो इस बार फंडिंग को इस बार खत्म हो रहा है, दिस ऑन गोइंग। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लाख लीटर्स के पास स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई का पीछे में हम लोग का एक 2 लाख लीटर्स का बनाया है, तो उसमें जो पाइपलाइन कनेक्शन करना था वो भी हो गया। और एगोमेंटेशन वाटर सप्लाई टू कामीर, ये है रूरल है वो कामीर विलेज में है, इधर आ गया। ये है बी स्कीम है, इसलिए इधर में आ गया। ये हम लोग का 2 करोड़ का था, तो अभी पाइप साइड परफॉर्मेंट करना है, बाकी फिजिकली खत्म हो गया। ट्रीटमेंट प्लान कम्प्लीट है, सिर्फ परफॉर्मेंट ऑफ पाइप इज रिमेनिंग। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 लाख लीटर कैपेसिटी ओवरग्राउंड टैंक विद बोरवेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ डीएन चिंपू, जो चिंपू का उधर में हम लोग 1 लाख का बनाए हैं, तो उसमें हम लोग बोरवेल भी है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 3 डबल स्टोरेज 4 यूनिट एमकी पार्क में है, व्यू में है, ये भी हम लोग का खत्म है। टाइप 2 बिल्डिंग क्वार्टर डबल स्टोरेज 2 नंबर ये भी खत्म है। बचेलर बैरक डबल स्टोरेज 10 यूनिट 1 नंबर ये भी खत्म है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर क्लीनिंग सेंटर मेजर चुनौती के वाटर रिक्वायरमेंट प्रो टैंकर, ये हम लोग का ये एक है, ये हम लोग इसको केस किया है, क्योंकि अभी हम लोग का एक हमरू का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए हम लोग वाटर क्लीनिंग सेंटर नहीं बन रहा है, हम लोग इसको अप्रोच रोड में हम लोग कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन समझो पता, ये भी 80% अभी खत्म ही हो गया, अभी 80% ये है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 3 डबल 4 यूनिट चंकी व्यू में है, ये भी खत्म है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप 2 पोर्टल डबल स्टोरेज 4 यूनिट ये भी खत्म है। रिलोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग 3 लाख स्टोरेज टैंक बिहार बंगलो है, ये भी हम लोग का खत्म है, सीएम बंगलों के लिए जो बन रहा है। उसके बाद री अलाइनमेंट ऑफ डीआई पाइप 400 mm विद डीआई पाइप गेस्ट हाउस एपी बिहार में जो बन रहा है, ये 80 लाख का रखा है, इसको हम लोग अभी कच्चा नहीं किया, क्योंकि अभी उसको रोड बनाया नहीं है, पीडब्ल्यूडी वाला रोड बनेगा क्योंकि गेस्ट हाउस पाइपी बिहार का उधर बनेगा, तो तब हम लोग का पाइप लाइन रिसीव होगा। म्यूजियम है ये भी खत्म हो गया, प्रोवाइडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर 20,000 ये भी खत्म हो गया। तो ये है इसमें हम लोग का कोंको है, रिची है, होका है, ओवर एक स्टोरेज टैंक बनाया था, ये जस्ट एक सैंपल।
तो ये अभी जो फोटो देखा है ना बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का BSI का, ये है सिंपू का है, BNBN का है, और ये हम लोग का फोर्टर का फोटो है, डबल स्टोरी है पूरा, ऑक्यूपाई हो गया कुछ ऑक्यूपाई हो गया कुछ अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ। ये अभी जो वाटर फिलिंग सेंटर का हम लोग जो उसको अभी अमरूद में काम चल रहा है, उसको हमने दिए रास्ता बना रहा है, अभी जो पोर्टर के लिए रास्ता नहीं है, इसलिए अभी सीसी पेमेंट भी खत्म हो गया, उसका लेटेस्ट फोटोग्राफ नहीं आया, ड्रेन है, सीसी पेमेंट है, वाल है और एक स्टोरेज टैंक भी है इसका अंदर में। ये हम लोग का ये नीति विहार का जो बंगलों का पीछे में बनाया है, और इसमें वाटर टू ऑल में कुछ फोटोग्राफ नहीं आया सर। तो वाटर टू ऑल में हम लोग का ये एक्चुअली ये रूरल का है, वाटर तो ऑल में रूरल का होता है, मतलब जो 2024 तक जो हम लोग टारगेट है FSTC का, ये पूरा रूरल के लिए होता है। ये हम लोग का बी स्कीम है, ये है हमारा ये मोगली पोप में गंगा का ब्लॉक 3 का, तो उसमें हम लोग 1 करोड़ 10 लाख का हम लोग का सिलेक्शन है, 80% फिजिकली प्रोग्रेस होगा, अभी पैसा दिया नहीं है, 15 लाख से एक्सपेंडिचर। उसके बाद में ये वाटर सप्लाई टू बिरू विलेज, बिरू विलेज हम लोग का संगेलानी स्पोर्ट्स का वो अंदर में, तो उसमें ये लास्ट कोरोना का पहले का सिंसन करके रखा, लेकिन फॉर्म नहीं होते ऐसे बैठा है, तो इस साल हम लोग टेकअप कर रहा है। ये है मोली पॉप वाला, ये है गंगा का काम, ट्रीटमेंट प्लांट है बना के रखा, अभी फिल्टर मीडिया ले करना है, पाइप लाइन लगाना है, वो रहेगा फॉर्म नहीं हो। तो बजट अनाउंसमेंट का ये है, हम लोग का चतुर्थता स्कीम वाला है, कंस्ट्रक्शन रिटेन्यूअल या PHE इंक्वायरी ऑफिस ए सेक्टर है, ये भी खत्म हो गया 50 लाख का था। उसके बाद में फर्निशन ऑफ डाइनिंग एंड किचन ऑफ ऑफिस और चिल इंडिया ऑफिस, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म ही है, ये गलत फान नहीं दिया 30% शो कर। तो ये है कॉन्फ्रेंस हॉल वाला, फर्निशन पूरा हो गया। ये अपग्रेडेशन वाला है, अपग्रेडेशन कॉन्फ्रेंस और विथ एक्वास्टिक इंस्टॉलेशन ट्रीटमेंट एंड सन की ड्यूटी का, ये नीचे ऑफिस में ही है हम लोग का, किसी रहेगा गड़बड़ हो गया। ये अभी आगे ये है, ये है कॉन्फ्रेंस हॉल, हम लोग अच्छा से बनाएंगे, ये हम लोग का चीफ इंजीनियर ऑफिस का उसमें वो हम लोग का ये कॉन्ट्रेक्टर, तो ये है अंशु प्रेसिडेंट, वही है पहले से अंशु नहीं करने का, पहले से काम बिल्डिंग भी वही बनाया, कॉन्ट्रेक्टर भी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, अभी पैसा नहीं दिया। तो कितना के पास थी का? ये है 120 इस साइड का दिखाया नहीं है, अभी यूज कर सकता है, यूज होता है पूरा चल रहा है रानी। ये है कंस्ट्रक्शन अप्रोच रोड, हम ये आम टाइप पांडा यहाँ से आया वाला है, अप्रोच रोड फिलिंग सेंटर में हम लोग का वाटर फिलिंग सेंटर बनाया, जो भी नेचुरल क्लाइमेट में एनी काइंड ऑफ डैमेजेस एंड डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर सप्लाई में, हियर वी हैव कंस्ट्रक्टेड 2 लाख लीटर्स कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक विद बोरवेल, तो उसमें जो उसी समय में उसको यूज करेगा हम लोग, कहीं में डिस्ट्रप्शन हो गया तो 4 टैंकर्स एट ए टाइम पानी फिलिंग होगा। तो आज का शिकायत हुई है कि डेली मार्केट को नहीं बचा पाया, कारण हुई है कि पानी नहीं पानी तो बुकना पड़ेगा ना, तो बुकने के लिए तो टाइम लगेगा। एक्चुअली फायर डिपार्टमेंट है ना, मदर विलेज में हम लोग का एक फायर हाइड्रेंट है, यूथ उसका जाने का रास्ता में 1 फायर हाइड्रेंट है, ये फायर हाइड्रेंट को हम लोग दिखाया भी है, एक जॉइंट इंस्पेक्शन भी हुआ था, लेकिन दे आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, तो ऐसे है। लेकिन अभी का जो ये फायर सर्विस ऑफिस में भी पहुंच गया है, लेकिन वो घर बना रहा है ना, इसका वजह से हुआ होगा। एडीसी सर क्या बोला है वो लोग, पानी किस लिए प्रॉब्लम हो गया था सर? उनका कहना है कि फायर को देखा गया था, लेकिन पहले तो फायर स्टेशन में आदमी जगह नहीं हो सकता तो नहीं आया, एक्चुअली वो लोग गलती क्या पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था सामने में, तो इनका कहना है कि लेकिन में रिफिलिंग के लिए जाना पड़ा, तो इसका वजह से मतलब आना जाने का वजह से उसमें जल गया। तो एक एलिगेशन ये भी है कि पानी अंदर में नहीं था, मतलब कम की पानी था होगा, तो इसलिए किया गया। पानी का प्रॉब्लम तो सर रिफिलिंग स्टेशन
टांडा में है क्या नहीं है? टांडा में फायर स्टेशन में था पहले, लेकिन उसको बिल्डिंग बंद है ना। यू तो स्थल रास्ता में भी है बोला ना। हाँ, ये मॉडर्न विलेज का फील्ड में है, जो फील्ड का सामने है, तो यूथ हॉस्टल में भी है, टैंक का सामने मॉडर्न विलेज में भी है। मॉडर्न विलेज में तो देखा हो ना, लाल वाला। और लेके किस लिए गया बोला? कुछ पता नहीं चला ना। पानी देने गया है, इसलिए ड्राइवर लोग को ट्रेनिंग देना है। तो ये सब इटाना में अलर्ट करना चाहिए, फील करके रखना चाहिए, उनका ड्यूटी है। लेकिन फील करके नहीं रखा, ये उनका गलती है। अलर्टनेस में हमेशा रखना है, क्योंकि पहले ब्रेकर से जल्दी से पहले रखते थे। ये इसके लिए बनाया बेसिकली, तो अभी यूज में है ये। सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का कुछ कनेक्शन करना था, और सब कुछ सिस्टम सब कुछ आ गया। जस्ट उधर पावर हाउस से ट्रांसफॉर्मर से लेके उसमें कोई देना था, कोई ले गया। वो करेगा करेगा बोला, अभी तक किया नहीं है। वो भी बहुत बिजी है वो लोग ना, हाईवे का क्या क्या क्या, वो तो बिजी है, वो तो बताया था। तो इवन एक जनरेटर भी लेता है, सपोज पावर लाइन भी शट डाउन हो गया, जनरेटर अभी जनरेटर से चल रहा हो। अच्छा, तो उस दिन भी हम यही को बोला है। अभी मेरा अंदर में नहीं, अभी अलग हो गया, फिर भी हम इंसिस्ट कर रहा है प्रो प्रो। मेरा समय में काम खत्म नहीं हुआ ना, क्या करेगा? काम सब कुछ करता मैं, वही पावर वाला कनेक्शन का। अच्छा, तो ये है वही कालवा जो बनाया है, तो इसमें अप्रोच रोड भी है। ये अप्रोच रोड है बना के, वो कालवा भी इसी प्लेस में पब्लिक रोड भी है, पब्लिक रोड। अच्छा, जुलंग जुलंग में आप पानी कुआं से दे रहे हैं ना, कहाँ से दे रहे हैं? जुलंग में, जुलंग माने इंटर जुलंग में। हाँ, इंटर जुलंग में हम लोग अभी जेजेएम से हम लोग जितना बोरवेल से दे रहा है, लेकिन बोरवेल से दे रहा है तो अभी ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। बोरिंग को तो आपको जनरेटर देना है, वी हैव प्रोवाइड जनरेटर ऑल्सो। तो उस जनरेटर को हम लोग का जेजेएम का पॉलिसी गाइडलाइन ऐसे है कि विलेज एक्शन प्लान से लेके अप टू लास्ट इन खत्म होने तक वो लोग विलेज का पंचायत सब देखना है। और पंचायत लास्ट में आफ्टर कंप्लीशन वो लोग टेक ओवर करना है, एंड दे हैव टू मेंटेन देयर सिस्टम पंचायत। हाँ, पंचायत मेंटेन करना है। अभी हम लोग का जुलंग का सब जो जो बनाया वाला वो सिस्टम को दे ऑलरेडी टेकन ओवर, लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि जनरेटर चलाने से उसका दुनिया भर का तेल लग रहा है, पंचायत चलाने नहीं सक रहा है। दे डोंट हैव एनी रिटर्न, जैसे टैक्स से उससे इनकम कुछ भी नहीं है, चलाने नहीं है। तो जो पावर लाइन जो लोग कनेक्ट किया, पावर लाइन कनेक्ट करते उसको चलाने तो वोल्टेज नहीं है, एरिया में पूरा वोल्टेज ड्रॉप है, पंप से होता नहीं। तो इसलिए दे है फेसिंग सम प्रॉब्लम सर। उसको हम लोग ये पावर वाला भी वो पंचायत वाला डिस्कस करके अभी ट्रांसफॉर्मर कुछ बेटा नहीं बोले बात कर रहे हैं। आप तो देख लेते क्या होता है ना सर, ऐसे चलता है, प्रॉब्लम डिफिकल्ट इसको बता। तो ये है पगा तरह है, ये है हम लोग का इतना का सेंशन हुआ था। उसमें हम लोग ये टोटल हाउस होल्ड है, हम लोग 23 कवर करना था, ऑलरेडी कवर पट्टा में पास हम लोग का एरिया है ना। हाँ, वो पगा तरह में अरे कहाँ चला गया। और उसके बाद में ये दामी हापा है, दामी हापा भी उधर डाक बस्ती में, डाक बस्ती का रास्ता का लेफ्ट राइट वाला साइड है, उसको दामी हापा बोलता है। हैबिटेशन प्लेस का अंदर में दिया, लॉट्स ऑफ हैबिटेशन सर, छोटा 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 सेटलमेंट है। तो ऐसे करते हो, एक कुआं से कवर होता नहीं है, इसलिए वो लोग हमारा छोटा छोटा स्कीम प्रपोज करते हैं। तो इसलिए 2 करोड़ का था, इसको 37 हाउस होल्ड कवर करना था, वो भी हो गया। उसके बाद में कोंको है, कोंको तो हम लोग का स्पोर्ट्स कॉलोनी रास्ता जाता है ना, चिंपू का अंदर में बहुत सेटलमेंट है सर। तो उसी एरिया का है, ये भी 89 का कवर करना था, ये भी हो गया। एगोमेंटेशन वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम सप्लाई चिंपू हाउस ऑफ, ये ऑनगोइंग है, ये सब ऑनगोइंग है। उसमें 7 करोड़ का है टेंडर सेंडर होकर अभी ऑलमोस्ट 90% खत्म है। और हाउस होल्ड भी जो कनेक्शन करना था कर लिया, लेकिन अभी अभी कहीं कहीं में पानी दे नहीं पा रहा है, मतलब वो पंप का अभी का जो प्रॉब्लम का वजह से हुई है, और फंडिंग भी पूरा फूल नहीं हुआ है। उसके बाद में ये प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई जो बीरू है, तो बीरू भी उसी में है। ये है इतना है, ये 37 हाउस होल्ड, ये हम लोग का हाउस है। एफएसटीसी मीन्स फंक्शनल हाउस और टैप कनेक्शन। ये है पका तरह का जो हम लोग ओवर रहते हैं। तो ये दामी हप्पा का है, ये बीरम का है, ये कोंको का है। स्ट्रक्चर से तो अच्छा से बनाया है, चिंकू ये चिंकू का है।
तो ये है। उसके बाद में हमारा अमृत में अमृत एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो प्रोजेक्ट है अभी इसको चार लोकेशन में ये काम कर रहा है, तो इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 33 करोड़ का है। तो इसमें जो ये प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई तो अर्बन कॉम्प्लेक्सिटी 1 MLD का है, तो उसका 5 करोड़ 70 लाख का है। एगोमेंटेशन वाटर सप्लाई डेम साइड का है 6 करोड़ का है, उसके एगोमेंटेशन वाटर सप्लाई बंदर द्वारा 0.5 MLD का है 3 करोड़ का है, प्रोवाइडिंग लीक वाटर सप्लाई ईटानगर 7 MLD का ये है 18 करोड़ का। दिस इज माने स्प्लिटिंग फ्रॉम द 33 करोड़। ये ऑगमेंटेशन का काम नहीं हुआ कम्प्लीट ना? कर रहा है, ऑलमोस्ट खत्म है आगे, दिसंबर हुआ था गेटिंग सर फोटोग्राफ आएगा सर। तो इसमें आउट ऑफ दिस विद इन दिस स्कोप में आई हैव टू कवर 4914 हाउस होल्ड, हम इसको कवर करना है। तो सिंस दिस स्कीम इज सर्व द एगोमेंटेशन, तो हम लोग का जो एग्जिस्टिंग जो वाटर सप्लाई लाइन है उसमें हम लोग कनेक्ट करना है। जैसे अभी कंज्यूमर्स को सपोज 80 लीटर मिल रहा होगा, वो एगोमेंट है वो मिलने से 110-120 पानी मिल जाएगा सर। ऐसे ये हम लोग दिसंबर में टारगेट कर रहे हैं। तो देन ये ये है लेकी का है सर, इसमें हम लोग का 90% खत्म है, ये फाइनेंशियली भी खत्म है सर। तो उसमें हम लोग का हाउस होल्ड टारगेट था 906, तो उसमें 906 में हम लोग का ऑलमोस्ट 700 समथिंग हम लोग हाउस होल्ड कनेक्शन हो गया था। वो हम लोग का अर्बन हाउसिंग नहीं है, जो कोविड सेंटर बनाया था ना सर, तो वो काम खत्म है, खत्म करते और भी पानी भी केतर हो चुका था, लेकिन अभी हाईवे का वजह से पाइप छोड़ दिया, अभी पाइप नहीं आ रही वो बनाना थी। तो ये है अभी ये फिनिशिंग स्टेज में बोल के इस अंदर में इसको चार्ज नहीं दिया है, ये मेरा अंदर में हैंड ओवर ही करना है, तो इसलिए दोस्तों को भी आइडिया नहीं होगा बोलते ना इसमें पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो इसमें ये है हम लोग इतना कनेक्शन हो चुका था, लेकिन अभी वो पाइपलाइन अभी मेन पाइपलाइन नहीं है, हम लोग टाटा टर्मिनल में कनेक्शन हुआ, बास टर्मिनल में कनेक्शन हुआ, यही लाइन से, लेकिन अभी मेन लाइन में पानी नहीं है। तो इसके बाद में ये डैम साइड है, ये भी 90% खत्म है, ये जस्ट टेस्टिंग एंड ऑपरेशन टेस्टिंग और कमीशनिंग रह गया। उसके लिए हम लोग दिस इज ए लेवेला टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, न्यू टेक्नोलॉजी है अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट सिस्टम। तो उसके लिए पुणे मुंबई से टेक्नीशियन आना है, तो वो आके टेस्टिंग एंड कमीशनिंग वो करना है, दैट्स वी आर वेटिंग। सोर्स कहाँ है डैम साइड का? सोर्स डैम साइड का वो ऊपर में दो नाला है ना, दोनों नाला को 150 ml टैप लेके बहुत ऊपर से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से दोनों को लेके दोनों का कॉन्फ्लुएंस में ना कॉन्फ्लुएंस में WPP बनाया सर। तो ठंडा दिन में तो सूख जाएगा? नहीं, ठीक है, दोनों को मिलाने में बहुत पानी है। अब एक बार देखिए ट्रीटमेंट एक ये बना रहे हैं प्रेशर कुकर है, ये लेमेला टाइम होता है वो, अभी हम लोग खत्म हो गया उधर पोल्यू नहीं है, जहाँ आदमी नो मैन लैंड कैप्टिविटी भी नहीं है उसी में मतलब जहाँ में डीप गोर्ज हो गया ना, इस तरह भी पहाड़ इस तरह पहाड़ ऐसे जगह से टेपिंग है, तो अच्छा कुछ साल तक चलेगा, बाद में तो एक्सप्लोर हो जाएगा उसको क्या करेगा उपाय। इसमें ओनली वाटर सप्लाई का ये बंडर द्वारा का है, उसमें हम लोग चार जगह में हम लोग बोर किया, एक है हम लोग कसिंसा में है ट्रांसपोर्ट ऑफिस का सामने, एक है हम लोग टाइप 5 बिल्डिंग में है ये बंदर जवा का ना, और एक है हम लोग वो उधर फॉरेस्ट कॉलोनी में ऊपर का उनके चर्च का कॉम्प्लेक्स अंदर में बनाए फॉरेस्ट, और एक है वो फॉरेस्ट कॉलोनी का अंदर में है, बंदर जवा का फॉरेस्ट कॉलोनी अंदर में दो है, तो उसके बाद में एक हुई टाइप 5 में है और एक ये कसिन चार में। और ये है लीक वाटर सप्लाई ईटानगर, ये तो हम लोग का जहाँ लिफ्टिंग है शंकी व्यू में है, एनी टाइम कोई भी विजिट कर सकता है। ये है 7 MLD कैपेसिटी का यहाँ में जो लिफ्टिंग वाला, तो ये है पाइपलाइन, ये पाइपलाइन सब खत्म हो गया अभी जस्ट चालू करना है। ये उधर से लेके मोकटू में पानी को गिरा है, उधर से पूरा वो हम लोग का सेंट्रलाइज जोन टू उधर मोकटू में उधर गिरा के उधर से पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये
ये हम लोग का ये उधर से लिफ्टिंग करके आएगा, सोर्स से इंटेक से, और इंटेक से यहाँ में आएगा, ये है हम लोग का प्री सेडिमेंटेशन टैंक। लेकिन ये प्री सेडिमेंटेशन टैंक हम लोग का प्रोविजन भी नहीं है, इसलिए ये लेमेला टाइप में, लेकिन हम लोग बनाया क्योंकि सील ज्यादा है तो एक्स्ट्रा एडिशनल। लेमेला में स्टेप्स कितना है जी सर? लेमेला में स्टेप्स कितना है? लेमेला में डायरेक्ट पंपिंग करके मशीन में जाना है उधर सब सेडिमेंटेशन जो उधर ही है, लेकिन हम लोग और उसका पहले और एक टैंक दे दिया, मैंने अच्छा होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन समय का है, ये ब्रेकअप टैंक है, ये है, ये ब्रेकअप टैंक क्या है, ये लेमेला से ना, लेमेला से जाएगा, अभी फोटो आएगा, लेमेला को पहले दिखाना चाहिएगा, लेमेला से आके यही टैंक में घुसता है, यही टैंक का बाद में एक प्रेशर पंप है, मोटर है, प्रेशर में जाएगा, प्रेशर का बाद में फिल्टर टैंक में जाएगा, फिल्टर से लिफ्टिंग करेगा ऐसे। तो उधर से हम लोग एरिएटर में दिया, एरिएटर ये भी एक्स्ट्रा दिया हम लोग, ये पंप हाउस है, ये पंप खत्म हो गया, सब खत्म है, पंप जाम पूरा इंस्टॉलेशन सब खत्म हो गया, अभी फिनिशिंग फ्लोरिंग बना रहे थे। और ये पावर प्लांट है, पैनल बोर्ड है, ये ट्रांसफॉर्मर है, सब आ गया, बैठा गया। ये हम लोग का प्रेशर फिल्टर है, ये प्रेशर फिल्टर है, ये है हम लोग का क्लैरिफायर का काम करता है, क्लैरिफायर ही है ये, स्टील टैंक। ये ही इंस्टॉल हो गया, ये हम लोग का ये अभी का जो ये क्लैरिफायर है ये, उसके बाद में इसका अंदर पीछे में बैठाएगा ये लेमेला, इसके बाद में ये ब्रेकअप टैंक है, इसका पान में प्रेशर पंप है, ये सब आ गया, ये है लेमेला है ये। तो ये मिले इसका काम कुछ नहीं है, जस्ट उसका वो क्लैरिफायर का काम करता है, तो उसका जितना जो सेटल है यहाँ से नीचे से निकल जाएगा, जितना गंदा पन्ना यहाँ से निकल जाएगा, ऑपरेशन एकदम मिनिमम ऑपरेशन है, आदमी बहुत कम लगेगा इसमें ऑपरेशन करने। ये फिल्टर प्रेशर फिल्टर है, पानी इधर घुसेगा, उसके बाद में यहाँ घुसेगा, यहाँ के बाद में इधर घुसेगा, इसके बाद में यहाँ जाएगा, इधर से पाम से लिफ्टिंग उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये तो भी आइए सर देखते सर, मेगा मेजर प्रोजेक्ट सर, अंदर में यही सिल काम खत्म हो गया सर पूरा। ये है डेम साइड का, डेम साइड का फोटोग्राफ अच्छे से बनाया नहीं, ये है द्वार पे सर, ये प्रेसिडेंटेशन टैंक है, ये दो दो सोर्स का है, लेफ्ट साइड लेफ्ट सोर्स राइट सोर्स का, ये भी पानी आ गया टैंक से, पूरा पानी आ गया, टेस्टिंग मशीन सब हो गया, अभी सिर्फ वो लेमेला फिल्टर टैंक को करना है। ये हम लोग का केमिकल हाउस है, ये एरिएटर है, एरिएटर का बाद में अभी जो लेमेला जो दिखाया वही इक्विपमेंट में सिस्टम में रहेगा, इसका फोटो अच्छे से नहीं दिया हो, ये है उसका जो स्ट्रक्चर जो है, बहुत हैवी है, बहुत अच्छे से लोडिंग करके लाया है, पुणे से आता था ये सब ये लीकी वाला सर इंटेक है, लीकी का इंटेक है, ये है हम लोग जो उसको हम लोग कोरोना जो कोविड बस और ये हाउस को ना हम लोग पानी इधर से पिलाया था, अभी पाइपलाइन ही नहीं है उसको, तो क्या बोले तो इसके लिए तो आप तो कुछ सेंक्शन दिया था ना, वो क्या हो गया सर, फिटिंग विटिंग के लिए सेंक्शन दे दिया था ना सर, उसको भी जल्दी दे के और वो खत्म करने देने से ठीक है, जल्दी कर लेगा। तो अभी ये सिर्फ फिल्टर मीडिया वाला रह गया अभी सर, सर ये फिल्टर मीडिया वाला रह गया, तो अभी और ग्रेवल्स और फिल्टर मीडिया सेंस सिंगल से गया कलेक्टिंग, अभी बारिश का वजह से नदी में नहीं जा सकता, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा हो गया, तो अंदर चला गया, मदर विलेज का नदी है ना, कंकर नाला का अंदर ही जाना है। ये स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड वाली है, अभी ऐसे देख रहा है, ये पुराना फोटो है, सब प्लास्टर का सब खत्म हो, ये है ये इसका बंदर दवा का, ये बंदर द्वार का, ये है DFO कॉलोनी बंदर द्वार का है, ये होगा, ये है कर्सिंग झा का, ये पूरा टेस्टेड हो चुका है, बोरवेल है पूरा टेस्टेड हो गया, अच्छा है, ये अन्या कॉलोनी का,
ये है PWD पावर हाउस वाला जो टाइप 5 वाला है, ये है मॉनिटरिंग वाला, बोलो भाई मॉनिटरिंग, ये हम लोग का PWD का टैरिफ कितने, क्या नाम था, भूल गया, आठम लेगा वो भी था इसका, वो मॉनिटरिंग में है। जो जो हो गया जाने से भी होगा ना, दोहरा दो और CDFO मैडम लोग का भी कुछ, हाँ वर्क नहीं है कुछ भी, नहीं वो नहीं है आपका, नहीं पांड गवर्नमेंट का प्लानिंग का ये कहाँ भाई, मैडम लोग को सिर्फ कंस्ट्रक्शन का है क्या आपका, ना दूसरा भी है इधर स्पेसिफिक डिटेल्स में तो नहीं गया है, जो लेटेस्ट लेटर का मतलब किसान लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचा कि सोशल वेलफेयर एजुकेशन एंड हेल्थ जो हमेशा मतलब ना एक्टिव वाला डिपार्टमेंट है, तो इसीलिए उन लोग को बुला लिया गया है। देखो लोग को समय आप लोग जा सकता है ऐसे होने से, नेक्स्ट टाइम गाइडलाइंस देख के उनको बता दीजिए ना। गाइडलाइंस देख लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, हमारा ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन स्टील कंपनी है, पावर सेंचुरी वर्क कनेक्टिंग PHU एंड सेंचुरी वर्क, ये CDB ना, CDA ये सर, आप जनरली ट्रैफिक डायवर्सन के लिए अपन स्टेट पे जब होता है तो 3 आवर्स में डायवर्ट करने के लिए लॉन्ग रोड है, फिर भी कहाँ से कहाँ जाएगा ये सर, संकी भी ओके सामने से फिर गंगा ब्रिज में कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन PHU हाँ हाँ तो ओ ब्रिज चंद्रनगर आएगा ना, सीधा गंगा में जाएगा, गंगा ब्रिज वो PHU में निकलेगा, PHU में निकलेगा, ब्रिज बनाना होगा, ब्रिज बनाना, अच्छा तो इसका सर ये 120 मीटर स्पान है, तो ये टेंडर हो गया अभी, मोबिलाइजेशन स्टार्ट, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फिलहाल, अभी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड इसका रिलेटेड वाला और एक अप्रोच रोड बन गया, हाँ सर अप्रोच रोड बन गया, अप्रोच रोड तो सर ये हमारा ऑलरेडी नहीं, नदी तक तो का रोड सर, वो छोटा वाला रोड है, तो उसको अभी वायरिंग करना, और दूसरा इसमें हम आपको बता, ठीक ठीक सर, ये पर्टिकुलर जाना BSI ये जो गंगा से ये कच्चा रोड है ऑलरेडी, मतलब यहाँ में, और सर ये है रोड पॉइंट नाम तो है, लेकिन वो पर्टिकुलर जहाँ ब्रिज पॉइंट है ना सर, तो ये अमाउंट से नहीं पहुंच रहा, ये एडिशनल अमाउंट लेके, तो ये मेन वहाँ में हमारा क्या हो गया, संकी व्यू से लेकर जो संकी पार्क रोड है वो पर्टिकुलर पॉइंट में, मतलब ब्रिज लेवल जो बहुत नीचे हो, तो उसको आर्ट कटिंग करने का आपको सर लेटर भी दिया है, उसके लिए स्ट्रक्चर भी थोड़ा डेमेज हो सकता है सर, आप लॉजिस्टिक ये टेंडर हो गया, तो वर्क का अभी टेकअप नहीं है, इसका मोबिलाइजेशन दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट ये यहाँ में बहुत हाई है, काम है इस तरह तो ठीक है, इस तरह एडवर्टमेंट में काफी मतलब हमारा डाउन करना था, अराउंड 5-6 मीटर डाउन करना, अब कटिंग करना होगा, वो तो कटिंग वह जगह है सर, वो उस दाम का हम लोग ये स्कीम है, वो तो प्लान ही है, तो यहाँ सर प्लान नहीं, यहाँ से थोड़ा आप शुरू हो जाते हैं ना, अच्छा तो ये जगह में आपका बहुत ये BSI का यहाँ में ब्रिज है ना सर, यहाँ से ब्रिज है, इसका ही मतलब लिंक वाला ही है हमारा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो इसलिए हम लाइक अभी इसमें आप रिटेनिंग वॉल प्रपोजल है, हाँ ये वाला में सर हम प्रपोजल है, इवन हम लोग वही कंपेंसेशन तो नहीं दे सकते हैं,
बाउंड्री किसी का अटैक हो रहा है तो उसके लिए हम बाउंड्री वाल के रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस कंधा पर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। हाँ हाँ हुई हुई रिटेनिंग वॉल में ही अब मिला जी, जी। ये सर हम लोग का एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें कंपोजिट बिल्डिंग स्ट्रक्चर नीचे से हमारा ये फर्स्ट फ्लोर तक हमारा आरसीसी रहेगा। वो ये आपका ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसको मतलब फॉलो करके देन हमारा एसिमेट्रिक बियरिंग होगा देन स्टील स्ट्रक्चर होगा। कहाँ पे होगा ये हमारा टीटी प्लांट में, टीटी प्लांट में ऑलरेडी काम ऑन द प्रोग्रेस शुरू हो गया। कितना परसेंट प्रोग्रेस हो गया सर? अभी अराउंड ये 20% के आसपास आरसीसी पोर्शन चल तो बियरिंग का अभी टेस्टिंग चल रहा है। अच्छा तो उस दिन टेस्टिंग किया तो पूरा पार्ट करके आर्मी को भी लगने वाला आई आई टी गुवाहाटी में कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तो फाइनल होने के बाद तभी हमारा ये काम और बढ़ सकता है। अच्छा तभी इसका कारण से हम रिपोर्टमेंट कर रहे हैं। सत्री तो लगा के रखा हुआ है ना जी, जस्ट वो ये करके सपोर्ट टीम को मान करके ये वाला सर इसमें सर वो जो गंगा ब्लेज में हमारा ये क्या इम्प्रूवमेंट ऑफ टाउनशिप रोड ऑफ इटर्नल एंड नागरन इसमें मतलब कोई इश्यू एक था जो लेटर इसके लिए भी करेस्पॉन्ड किया वो आगे वाला के लिए भी किया। ये वाला हमारा क्या हो गया लेफ्ट बैंक का हो गया, ये वाला जो है राइट बैंक में जो है गंगा से जो हम रोड चौड़ा करते हैं तो ब्रिज क्योंकि डायवर्सन थर्ट बार डायवर्सन में तो एटलीस्ट हम बताओ 7-8 मीटर तक चाहिए रेलवे ले जाए तो उसके लिए आपको लेटर लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा ये कहाँ पे लेटर जो है भाई आज पता करो क्यों कहाँ में है तो उसमें आपने जहाँ जहाँ आपका स्त्री प्लान का मुताबिक से कौन कौन आदमी है उसको हम आइडेंटिफाई किया उसको सर ये इसलिए हम लोग ये किया है वहाँ पे जो ब्रिज बना रहे हैं नेचालू बना रहे हैं तो पूरा एरिया को फुट मतलब कर रहा है फिर भी लॉ एंड ऑर्डर बाई चांस इश्यू हो जाएगा अंदर से मतलब हम अपना से सॉल्व करने ट्राई कर रहे हैं। ठीक है ठीक होगा तो इसमें सर ऑलमोस्ट ये हम लोग का ईसी वर्क टोटल का हमारा 34 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली है उसमें सीसी 24 किलोमीटर है देन बीसी जो है 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर कहाँ काम में आप फिक्स किया है सर? बहुत सारा रोड है। ओके इसे बता के देखो रोड बीसी को बीसी हमारा ये क्या होता है इंटरनल रोड मिनिस्टर बनना जो है कोच वगैरह देन ये क्या बोलते हैं तरतंग मार्ग देन हमारा ये इसमें बेन किनाली है नीटीगढ़ किनाली तो आपका वाई जो ये नहीं है उसमें जो सीसी पहले करके रखा था उसका ऊपर बीसी हम मार दिया तो है और वहाँ ठीक है क्या आप क्यों मार रहे हो सीसी उधर है सीसी सर उसको मतलब सर ये था थोड़ा ट्रायल इन एरोमीटर में सीसी का ओपन में बीसी कैसे रहेगा उसी हिसाब से हम लोग एक प्रोजन 700 मीटर का प्रोजन तो महाराज पहले थोड़ा सा सर ये निकल गया हमारा इधर में भी लगाया था निकल गया अभी तो बीसी तो सर टिकी है जो सीडीबी सीडीबी किया था थोड़ा मेरा रेसिडेंस में हाँ थोड़ा किया था निकल गया लेकिन लेकिन ये कौन से कंट्री में एक आदमी विजिट किया है वो बोल रहा था अच्छा से नहीं निकलता है बोला लेकिन कैसे नहीं निकलता है आप थोड़ा से कोई फॉरेन कंट्री में कोई आदमी गया था वो बोला है कि इसमें बीसी सीसी के ऊपर में बीसी भी लगाया है कोई लोग बोला उकरता है बोला डिबेट किया था इसने कोई बोला फॉरेन कंट्री में लगाया ठीक है बोला सर सीसी का ऊपर बीसी हाँ सर आपने सीसी का भी किया था मेरा इधर में तो निकल गया
सर वगैरह लिया होगा इसका कारण है। और जो इन लोग का मिक्स मतलब जब गर्म लाइन में कितना टेम्परेचर थे ये सब पब्लिक जो है बहुत गाली देता है। लेकिन जैसे परसों रात को उधर यूपी त्राई जंक्शन में हम लोग काम कर रहा था टीके का, तो पानी आ गया ना बारिश भी, तो ऐसे भी होता है। और इसको उसमें बेचारा वो तो मिक्स तो बना के रखा है, लॉस हो जाता है ना, ये सब लगाने से भी तो खराब हो जाएगा। पब्लिक इसको नहीं सोचता है, हम लोग तो इंजीनियर लोग पूरा गाली देते रहता है। चलो तो सीसी तो अभी कितना बच गया है? सीसी तो ऑलमोस्ट नौ लोग नीतानगर कवर तो हो ही गया। स्पेशली सर सीडीए का अंदर में जितना जुरिस्डिक्शन है हमारा, तो ये टाउन से उल्टा विलेज में घुस गंगा ब्लेज हो गया, ये आपका ये तो अच्छा कवर हो गया। देन उसका सामने आगम कॉलोनी वगैरह है वो सब में मतलब होता है। यहाँ का तो ऑलमोस्ट पहले जो पेस जो ऑलमोस्ट करके रखी है, फिर एक दो जगह बचा हुआ था उसको हम टेकअप कर लिया। अच्छा ये अबोतानी का जो ड्रेन को क्या हो गया? ये अबोतानी रोड का ड्रेन को म्यूनिसिपल लोग करेगा बोल रहा था जी, वो सीधी भी आपका था ना, सीडीए का ही था। ड्रेन तो सर ये लोग एक इस बार मतलब रिसेंटली एक स्कीम आया, हम लोग भी मालूम बाद में हम लोग कंडक्टर फोन करके बताया, तो उसको हम लोग अभी जस्ट सेंशन पर्पस के लिए ले जाओ। अच्छा ठीक है। तो सर ये कुछ कुछ जगह जहाँ जहाँ कहते हैं, ये टू रोड जहाँ में ऑफिसर कॉलोनी है ना, आई जी साइड में जो बेटा साइड में ये सब रोड है। और ये 0.9 गुम्बा मंदिर इसको भी ये बीसी किया है। और ये सर नकुंग लापाम इंटरनल रोड और बैंक इंडियन साइड से गेस्ट हाउस जो बीसी का कहता है, और ये इंटरनल रोड जो अप्रोच वगैरह है ये वाला सर वो आपका से जो ये सेंकी व्यू जो जाने वाला एक वो पोर्सन का खाली करके और बैलेंस जो सेंकी व्यू को अभी टेकअप करने वो पंचाली निकलता है ना वो बन गया वो वाला सर पहले करके रखा हुआ है, तो कहीं कहीं जगह डिसमेंटल खराब हो गया, लेकिन हम वाले होगा और किसी उसको टेकअप नहीं किया, जहां जहां मतलब नहीं प्रोविजन नहीं था उसको हम वहाँ से ये नीचे तक पूरा है पंचाली निकलता है वो अभी टेकअप है। और ये वाला और मेन जहाँ में सर ये लास्ट टाइम लाइफ काफी खराब था मिटीगढ़ को जो पुलिस पॉइंट से लेकर के वो ये पोर्शन तक ये 200-300 ये सर सीएम का जो पुराना बंगला था सर नीचे जाके एक तो प्राइमरी स्कूल है ना सेकेंडरी स्कूल है वहां से लगकर कर सीडी भी करता और उसको भी कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट हो गया। वहाँ में रास्ता चौथा है, थोड़ा आप लोग काम से मदद लेके बड़ा करने से टिकता क्या और वही तो वो रास्ता है जो ये गेस्ट हाउस से नीचे जो सीढ़ी भी जाता है ना आगे वाला सर पहले करके ना तो हम लोग तो मतलब बैलेंस को अभी ठीक है। और ये जू रोड हमारे स्टेट हाईवे इसमें सर एक प्रॉब्लम था, गेट का सामने एक ब्रिज है ना वहां तक किया, फिर गेट के अंदर में तीन फिर नहीं घुस पा वो हाइट ज्यादा पड़ी तो होने से हम लोग पूरा कर देना था। तो अच्छा जू का ना जी मैनुअली करेगा उसको अभी सर देखना पड़ेगा नहीं तो ये म्यूजिक वगैरह यूज करके कोई कम दिख बनाने से ठीक है, क्योंकि जू के अंदर में ये बहुत है टूरिस्ट जाता है ना आदमी लोग, टूरिस्ट मतलब अपना डोमेस्टिक यहाँ का अपना आदमी लोग भी जाता है और रास्ता को बनाने से ठीक है।
पसाई है डायरेक्टर पिसाई और एनएससी ये दुबई नोटर का देन ये ही सर जो हम ट्रायल एंजरर में करके रखा था जो पीसी सीसी कॉपर में डाल और सीआरपीएफ कैमरा भी सर हो इंटरनल वाटर उसमें कुछ बोला था सीआरपीएफ का कुछ वही रास्ता का कुछ बात हो रहा था वो रास्ता तो हो गया ठीक हो गया कौन सा वाला सर सीआरपीएफ कैंप का और नीचे में अभी करना है ओ, जो ऊपर वाला एक जहां में इनका ऑफिस सेट अप है हां उसको अच्छा नीचे भी कर दे नीचे भी करेगा ओके ठीक इस बार सर वही सब हम बाहर ही जा रहे हैं यहां तक ऑलमोस्ट पूरा पहले फिनिशिंग हो गया ठीक है ठीक और ये सर एक इम्पोर्टेंट ब्रिज ये है आरसीसी ब्रिज ओवर चंदनगर नाला बिटवीन इंडस्ट्री कॉलोनी हम उस दिन देख के आया वो इम्पोर्टेंट है उसको रास्ता जो है उस तरफ में थोड़ा वायरिंग करना है वायरिंग करना है उसके लिए सर हम लोग उस दिन लेटर भी लेके आया वो ये कॉर्पोरेटर बोला है हम खुद बात कर लिया हो जाएगा एडिशनल उसका जो ऊपर में जो वायरिंग करने जाना है उसके लिए हम लोग अभी एस्टिमेट वगैरह उसको बना के गए ठीक ठीक तो इसमें सर ये दो टाइप का ये नेम ऑलमोस्ट सिमिलर है तो ये कॉन्ट्रेक्ट खुद डाल के कॉर्पोरेटर खुद डाल के लाया था ना तो इसमें प्रोविजन होता है कि आपका एक से ब्रिज बन रहा है एक से सराउंडिंग जो है क्या बोलते हैं हमारा अप्रोच वगैरह जो आरस ये हमारा रॉक स्ट्रक्चर वो सब यहाँ में प्रोविजन नाम रखा था रिटेनिंग वॉल इम्बेंगमेंट हमारा कलवर्ट उसमें बॉक्स कलवर्ट करते करते दो सौ क्रॉसिंग के लिए दे देगा देन बाउंड्री वॉल भी कुछ जगह में मतलब रिकंस्ट्रक्शन कर देना अंदर जाके पावर हाउस का समय अभी वो थ्रो हो जाएगा एफएनजी सेक्टर से नीचे बादल का ये पोर्शन था सर हमारा वाले जी ये पोर्शन था जो एडिशनल जो हम ये कहता ना इसको हम ये करना पड़ेगा चौड़ा करके सेम मतलब इसमें मेनली ब्रिज का जो स्ट्रक्चर को यहाँ से आगे का जो फर्स्ट वाला स्कीम ये सेकंड वाला स्कीम इसमें ये ब्रिज को सेकंड वाला स्कीम कहा में बोला सर सेम है नाम हल्का सा चेंज है थोड़ा दोनों में भी मतलब ब्रिज कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है आदमी कंफ्यूजन होगा आर टी आई वोट आएगा आपका यानी कंप्लेन आएगा तो इसको में हम लोग ये करते हैं ये और ये सर ये क्या बोलते हैं आर सी सी वाल का मॉडलिंग ये हमारा 150 का है इसमें सर वो जो इंटीरियर एक बोतल में टाइप है जैसे नीति तो उसको थोड़ा सा ये करके कौन से फोटो में हम दिखाते ये सब टेंडर हो गया अभी मतलब बोले काम शुरू हो जाएगा सर बता रहे ये वाला ये जगह में मतलब काफी ये डिस्टेंस थोड़ा प्रॉब्लम होता है और एक्सीडेंट भी होते रहते हैं इसको हम ये नौ सौ तीन रहते अंडर पुस्ता देगा जगह तो खाली है ना हाँ जगह तो खाली है वो मालिक से बात कर ओके वॉल बनाएगा तो फिर भाई वही मतलब ये कर रहा है वॉल है उसमें सर सीसी भी एडिशनल कुछ है फिर ड्रेन भी वगैरह भी कर सकते और ये और ये सर हमारा सीनियर आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग था तो उसको अभी आरसीसी ने कन्वर्ट करके इसमें थ्री टाइप्स मतलब फंडिंग किया था फर्स्ट फेज तो ऑलरेडी कम्प्लीट है नगर मालिक का क्या केस अभी क्या वो ही कॉन्ट्रेक्टर है सर उसको या तो सेम अभी एक्सटेंडेड किए करके वो आपका जो वाल का जो प्रॉब्लम है नहीं वो वाल तोड़ के रख दिया था क्या हुआ ठीक है काम अभी कोई डिस्टर्ब नहीं ना अभी तो डिस्टर्ब
ऑलमोस्ट मतलब फर्स्ट पेज तो ये हो गया सर ना, और सेकेंड पेज 80% हो गया, देन थर्ड पेज हमारा 20% चल रहा है। कम्प्लीशन कब है सर? इसको ये है थर्ड पेज के लिए कम्प्लीशन पीरियड 24 पर है। अच्छा उसमें वॉल का प्रोविजन है, वो वॉल तोड़ा था ना, बाउंड्री वॉल का सर ऐसे कोई ये प्रॉब्लम नहीं, उसमें मतलब सेंटर में आपका और टॉप फ्लोर का ही मतलब उसमें फिनिशिंग बनेगा, तो फ्लोर वाइज इन लुक मतलब ये सर ये काम का प्रॉब्लम। बेलूसी पेन अच्छा वाला नहीं डाला क्या? अभी वो हाँ उसको ऊपर ये सर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल ऑफिस बिल्डिंग ऑन रिवर वाटर स्टोरेज सम एलिवेटेड वाटर टैंक फॉर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन कंसर्न कनाडा इंपॉर्टेंट है। इसका भी सर जो डिजिटल प्रोजेक्ट तो अभी चल रहा है, फाइनेंशियल कुछ नहीं दिया तो अभी कुछ ये करता नहीं, ये उसका प्रोग्रेस हुआ। ये हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर एसएम एडिटिया, क्या प्रोग्रेस है उसका? इसका सर फिजिकल जो एक्सपर्ट स्कोप में ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में, आराम से ये मास्टर तो हो जाए। इसमें एडिशनल ये प्रॉब्लम हो गया आपका, जैसे उस वगैरह रिवाइज होगा तो इसमें पार्किंग वगैरह फर्नीचर एंड फर्निशिंग और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन भी सेट हॉर्टिकल्चर कंपाउंड वाल जो डेकोरेशन वगैरह जो करना है वो सब मतलब नहीं हो, उसके लिए एडिशनल अमाउंट अप्रोक्सीमेटली इन लोग वॉकआउट करके रखा है 30 के आसपास की जरूरत है। और रोड डाइवर्सन एक है सर, इसको आपको जब आएगा तो फिर आपका जो पहले का पुराना जो अभी स्थिति जो बन के रहता है वहां से डाइवर्ट कर देना, तो पुलिस थाना ये थोड़ा ऐसे राउंड करके वो जो सेम टर्म बंगला में आ इसमें सर ये ऑफिस ब्लॉक रेजिडेंशियल ब्लॉक ये सर सी सेक्टर पहले वुमेन एक हॉस्टल था मेंटल करके इन लोग ये कर रहे काम, तो ऑलमोस्ट 50% जैसा स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट कम्पलीशन स्टेज में, तो फाइनेंशियल थोड़ा सा पैसा पुल दिया था जैसे लगा था इसको तो। पुल नहीं दिया और थोड़ा करके ये और ये सर कंस्ट्रक्शन प्रोटेक्शन वाल ड्रेनेज है अपर इंटीरियर नियर बंगला नंबर 10 ये सर फिजिकल काम प्रोग्रेस खत्म हो गया, ओनली फाइनेंशियल नहीं है। ये सर ड्रेन का वाल सब सर प्राइवेट ही है, कितना थोड़ा कितना अमाउंट है प्राइवेट ही है। ये भी सर आरसीसी प्रोटेक्शन वॉल फ्रॉम आईटी वी कैन टू ये मामला है इंटीरियर, ये भी सर सेम ये वाला कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटी पेमेंट रोड है जू पार कॉलोनी कनाडा, इसका भी काम खत्म हो गया। ये जू और ये हमारे गंगा लेक जाने से टिक ट्राई करने से जाने से उससे जस्ट फर्स्ट जो लेकर टाइम है और जो होता है वो फाइनेंशियल नील है और फिजिकल काम में पड़ेगी। ये और ये सर एक ये प्रॉब्लम वाला है कंस्ट्रक्शन रोड फ्रॉम गंगा ब्रिज टू
जितना है तो अभी इन लोग का ये जीएसबी और सरकटिंग ही बचा है, स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, तो इस पर ये एस्टिमेट इसको तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपका विक्रम रीडर फॉरेस्ट में आता है बोल के कुछ ये चक्करबाजी चल रही है आप ही इसको टोटल 35 किलोमीटर है फेज वन में 4 किलोमीटर से। अरे वो बाहर दिखाई नहीं देता है, ऊपर में जो जा रहा है यहाँ से भी देखा रहता है। डेवलपमेंट का मनी किसे क्यों पूछ रहे हैं? तो इसका कारण से सर तो लगता है तो काम तो हो जाना ये और ये सर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली ब्रिज ऑन संगल एलेंट स्पोर्ट्स एकेडमी रोड इसका सर कंप्लीशन तो ये मार्च तक हम लोग पूरा ये करके अंदर प्रोग्राम चार्ट तो बना दिया, फंड भी इस बार फुल मंगा लिया। उसमें थोड़ा से वो देखना होगा वो ये रिवर का जो डायरेक्शन है ना जी, तो ब्रिज को थोड़ा ये उसका ऊपर वाला नीचे का तो ठीक होगा लगता है, ऊपर का थोड़ा जगह लेना होगा लगता है क्या ऐसे ये आप स्ट्रीम का हाईवे तरफ में आपका जो हाँ हाईवे तरफ का सर अभी उसमें तो सर वही जो ऑलरेडी बना देते हैं एक तो बना ही चुका है उसका ऊपर का ऊपर मतलब हाईवे तरफ में ना हाँ हाँ उसका अभी तक ये जस्ट स्टार्टिंग उसको देख लो क्योंकि वो फिर स्कोरिंग करती है फिर वो नदी जो है दूसरा जगह में चला जाएगा विंग वॉल बोलते हैं ना क्या उसको एप्रोन वगैरह देखना होगा ये सर डीवीवाईसी दोस्तों ये यूथ सेंटर ये काम क्यों शुरू नहीं किया इसका सर वो ये शुरू में तो आप ही रोका नहीं था फिर हाईवे से कुछ परमिशन नहीं मिला अभी लाइन डिपार्टमेंट हमारा पीएचई वगैरह किसी फॉरेस्ट वगैरह से कुछ आप नियम निकल ये एक ऑर्डर दे दिया था तो उस बेसिस में लोग ये कंसर्न मतलब वो जो माटी का मालिक सबसे एनओसी के प्रोसेस में धंधा दिन में देख लो जी पहले थोड़ा से ये क्या था अभी काम करने देगा जी सर डेटा प्रोविजन तो काफी अच्छा है तो कोई ये दिया होगा देख लो मिट्टी को काट के कहाँ ले जाएगा ये तो बहुत यूज मिट्टी है ना जी ये तो ऊपर वाला था हाँ ये ऊपर वाला कैसे करेगा काट के उस नीचे से सर इन लोग बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं ऐसे कुछ प्रॉब्लम एक बार अच्छा से बता के देखो बाद में हाँ ठीक ये शुरू कर दे मेंटेनेंस तो पड़ा हुआ है ये एफिशिएंट बिल्डिंग इसका भी प्रोग्रेस फाइनेंशियल हिसाब से तो लीगल प्रोग्रेस काफी ज्यादा है बिल्डिंग में कुछ डबल ओवरलैपिंग कुछ बोल रहा था अभी हो रहा है क्या किसमें उसको मुझे चेक किया था लेकिन अंदर पूरा ये ऐसे होता है कि मतलब पैसा नहीं लेता है ना तो वापस वापस निकल ऐसे आता है जैसे कि बीई में आता है आरई में आता है उसमें कंफ्यूज ऐसे नहीं इसमें वही फंडिंग सिस्टम का सब नहीं लास्ट टाइम वो लोग एक्सप्लेन किया ठीक है आरई का तो हमारा फाइनल हो जाता है आप आरई को ही देखिए और साल भर का फाइनेंशियल ईयर का फाइनल है इतना ही अमाउंट है गवर्नमेंट के पास है वो उसको आप देखिए और बी को नहीं देखिए बी तो टेम्पोररी मतलब रेमिडियल ये फंडिंग देता है उसको तो नहीं
ये सर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कॉन्टेक्ट में फसीघाट में इसको तो सर वही माटी है अभी तक लोकेट नहीं कर पाए। हाँ अभी लोकेट मतलब पैसे तो रहा और पहले 12 करोड़ था ना अभी 25 करोड़ के फिर बनाए हम भेजे सेक्रेटरी में कुछ आ रहा है प्रोपोजल्स लेकिन जगह नहीं जुड़ेगा मट्टी का। और ये सर रीडेवलपमेंट ऑफ गंगा लेक इटानगर इसका तो ऑलमोस्ट टेंडर अभी होल्ड कर दिया। रीडेवलपमेंट ऑफ ये गंगा लेक वहाँ क्या है कोई ये करने के लिए रिक्रेशनल और उसी हिसाब से जो टेंडर हो गया टेंडर हो गया पूरे से बात हुआ इसका सर एक्टुअल क्या क्वेश्चन हुआ हमने तो ये तो मेरे ख्याल से फॉरेस्ट का अंदर में इन लोगों का अंदर ही ऐसा है तो जो भी बाद में रेवेन्यू वगैरह हुआ उसमें क्या क्या आइटम डाला हुआ है सर इसका रिजेक्ट भी ये तो होगा ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन में बनाया है तो नवीन बता सकतेगा आपको बता रहा था उसने अच्छा वो ये रोड का पैसा नहीं है नहीं वो रोड सर ये अभी का जो हम लोग का चल रहा है CMCRF जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसमें तो बनेगा ब्रिज बन जाता है तो हम मतलब काम टेक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है तो उसका वजह से वो छोटा छोटा गली को अभी कर रहे हैं तो गली उसका खत्म होने उसको भी इधर दिखा रहा है ना वो आपको हम लोग का जो बड़ा वाला स्कीम है वो BC बनेगा ना CC बनेगा उसमें CC है। ओके ये सर एक पर्सनल स्कीम है अपना तय लेके तो प्लेस और उन रोड को इम्प्रूव करने तो ये सर दोनों पलो रोड में एक कोई पर्टिकुलर नाला है उसको प्रॉपर गाइडिंग करने का तो ये सर ये वाला सर RCC डबल यूनिट टाइप 2 एंड टाइप 3 क्वार्टर है ठिकाना तो टाइप 3 हमारा CDA का अंदर में टाइप 2 जो CDB का अंदर में है सर वो क्वार्टर मिल गया क्वार्टर तो सर मिला है फिर उसको उन लोगों को क्या है रीलोकेट करना हाँ वो अभी रीलोकेट के लिए मतलब रेंट हाउस उन लोग नहीं मिल पा रहे तो अभी हम लोग जो बात किया UD का ना आप सुनाइए वहाँ में बेच देता है चिंपू वाला उसमें ना हाँ वो PHE और पावर को बात करके पानी लगाने से हो गया जी। ये सेक्रेटरी को हम बात किया हुआ है और कमिश्नर CM भी बात किया हुआ है जी। तो वो ये हो जाने से सर हाँ प्राइवेट का है बोल के आप लोग उसको ना अपना नौकरी बचाने के लिए कोशिश करो जी।
वो लोग आप लोग का जगह में हम बेच चुका है ना, वो लोग बोलेगा हम स्कीम लाया है, हम वो डिक्टेशन देने करता है, वो आप सुनना नहीं है, बाद में रोना है तो आपको रोना है। ये वाला सर वो जो है सेक्टर जाने हम फैक्ट्री ये करेगा, यहाँ इम्पोर्टेंट है ये पर्टिकुलर लोकेशन है, हम टोटल ये करके सर्वे रिपोर्ट वगैरह तो हो गया, एज सून एज उन लोग लीव अफेयर देगा तो हम इस मेंबर करके काम शुरू करें। ये बात सर थैंक यू। हाँ सीधी में हमारा कहना कैसे जाना हाँ ठीक अभी कोई है ही नहीं है, अभी आप ही है अकेला। आप आराम से बीते आपका वोट आप तो होस्ट 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 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। KV service station and LT line at Golanala, Modi Bridge Block 4.
ये अभी पिक्चर में दिखा देगा, ये कॉन्ट्रेक्टर है इसका, ये बालोमुख, तो ये भी काम हो गया, पान पुराने थे। और नंबर सिक्स है इंस्टॉलेशन ऑफ डीटी सब स्टेशन इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्चर ऑफ एलटी ओवरहेड लाइन ऑफ बुरुम ताराजुली एंड न्योच, ये एसआईडीएफ में दिया हुआ था 80 लाख का था। तो लास्ट टाइम 40 लाख दिया, इस बार 21 लाख दिया, फिर इसको भी पूरा नहीं दिया एसआईडीएफ का। अभी वो पिक्चर दिखा देते हैं उसी। और फिर सेवेंथ है सिक्सटी ऑफ 33 के भी ओवरहेड लाइन अलोंग NH50 टू ए बिटवीन लेखी एंड भागे तीन आई। ये 33 के भी लाइन हमारा वो आर ओ दो अभी अभी दिखा रहा है, ये हम लोग का हिल साइड में वो वाला साइड में। तो ये सर 33 लाइन जो एग्जिस्टिंग है, ये यूके जाता है लाइन जो हमारा SMS लेखी से फैक्ट्री से वहां चला जाता है यूके में। तो ये हम लोग का वो हाईवे वाला जो स्कोप में हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, इसके लिए ये प्रॉब्लम स्कोप डाल के अभी शिफ्टिंग करना जरूरी पड़ गया ये हाईवे कंस्ट्रक्शन की वजह से। इसलिए ये स्टेज हम लोग का ये प्लान में भी में डाल के हम लोग ये अभी पान लिया है। ये हमारा ऑनगोइंग स्कीम है। लास्ट ईयर हमको 60 लाख दिया था, ये 65 लाख का है। लास्ट टाइम 60 लाख दिया था, इस बार 24 लाख दिया है, अभी भी पूरा नहीं दिया। अभी हाईवे काम तो लास्ट ईयर तो प्रोक्योर कर लिया मेटेरियल, अभी इलेक्शन शुरू कर दिया, अभी पिक्चर दिखाएंगे। ये हो गया हमारा ऑनगोइंग साथ। देन हमारा न्यू स्कीम्स है दो टू इस बार, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 33 kV लाइन अलोंग थ्रो NH415 फ्रॉम 130 सब स्टेशन लेखी टू 33 और 11 kV सब स्टेशन नाहरलगुन। ये लेखी सब स्टेशन से ये हमारा जंगल जंगल होके ये हमारा तोको ज्योति रूपा उधर से भी होके जाता है, तो उसको अभी अलोंग हाईवे हम ले जाना है। इस बार हम लोग ये डाला हुआ है स्कीम डाल के अभी ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो। और पहले का पोल सकता वो सब GI पोल, क्या बोलता है ये MS पोल था, माइल स्टील पोल, अभी हम लोग GI पोल से इसको पूरा लग बनाएगा बोल के एलोंग हाईवे, थोड़ा सुंदरता भी होगा। ये अभी इस बार दिया है इसमें 1.5 का है, 1.50 है, ये भी जुड़ेगा कि नहीं जाओ थे, लेकिन GI पोल हम लोग जब डाल रहा है फिर भी हम लोग करेगा इसको GI पोल से, ये परमानेंट वो रास्टिंग नहीं होगा इसके लिए। और सेकेंड है ऑगमेंटेशन ऑफ 11 kV लाइन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ 200 kV डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर एट लोअर गोरुम विलेज नियर रेलवे ब्रिज। ये लोअर गोरुम जो रेलवे ब्रिज सर अभी लेखी से जो फैक्ट्री का इधर रोड जो जाता है उधर इतना सेटलमेंट हो गया लास्ट टाइम, जैसा उधर साउथ एविन का घर उधर वो एरिया में पूरा सेटअप हो रहा है, बिल्डिंग इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा, वो उधर पावर देने के लिए नहीं है, तो ये स्कीम से इस बार इन लोगों को भी पावर मिल जाएगा। नेक्स्ट सर ये फाइनेंशियल स्टेटस स्टेटस है हमारा, ये एससी ऑफिस जैसा अभी हमने साफ ऑनगोइंग का दिया था, वन जो एससी ऑफिस बिल्डिंग का है हमारा 6.50 लाख का था, तो उसमें 5.4 लाख दे चुका है, 85% का वर्स हो गया। और देना था नहीं लुक दिया है, तो हम लोग अभी ऐसा डी एफ में मांग रहा है इसमें दो बोल के, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टर को तो पेमेंट करना पड़ेगा टेंडर हुआ था। और डाटा सेंटर का तो सर वो 100% हो गया, और बिलिंग काउंटर का भी 100% कम्प्लीट है, पूरा चल रहा है, और रिकॉन्डक्टरिंग भी 100% हो गया, यूपीआई ने आधा ले लिया हम लोग। उसके बाद ये बोलो नाला उसमें 6% वर्क हुआ है, थोड़ा बाकी है, ये हाईवे एरिया का वहां से टेपिंग होता है जो सीआरपी गेट जो है वहां से उधर बोलो नाला अंदर जो NBCC तक जाता है उसमें वो ट्रांसफार्मर उसको सीट करना है,
उधर से टेपिंग हो रहा है, वो एरिया को नहीं किया काम, थोड़ा बाकी बचा हुआ है, तो उसमें 60% वर्स किया है अभी तक। तूफान भी पूरा नहीं किया आया है, सर्फिंग खरीद देगा क्या ना, खाना आ गया सर्फिंग खरीदेगा ना। उसके बाद सर ये रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड न्योर्च वाला, न्योर्च वाला उसमें वही अभी बताया 80 लेग्स का था, 40 लेग्स लास्ट ईयर दिया था, तो इस बार फिर 24 लेग्स ही दिया, 21 लेग्स दिया, और जो बाकी होगा फिर पैसा फिर इस बार काम करेगा। तो उसके बाद 7 लास्ट वाला जो है बागे तिनियाली टू लेखी टू बागे तिनियाली हाईवे वाला, उस लास्ट ईयर 16.5 लेग्स दिया था, 30% पूरा बुकिंग कर लिया लास्ट ईयर, इस बार 24 लेग्स दिया, ये भी पूरा नहीं दे रहा है, 62 का है, और ये 2 न्यू का तो अभी किया नहीं है। नेक्स्ट सर ये पिक्चर ऊपर वाला, ये तीनों पिक्चर ये एसी ऑफिस बिल्डिंग है हम लोग का, इसका ब्रॉन्ज में था सर वो केस जो एनफोर्समेंट इलीगल एनफोर्समेंट जो ओवरलैपिंग है ऑफिस जो ओवरलैप है, ये एसी ऑफिस हम लोग का बिल्डिंग और सीढ़ी दिखा रहा है और नीचे वाला ये, इसको ये बनाने का समय जो स्पेस खाली था उधर तेल के बना लेना था ना, वो पार्किंग था पहले से पार्किंग, उधर पार्क करके ऑफिस में घुसे जाता ना पब्लिक में ऑफिशियल से, वही था। ये हमारा डाटा सेंटर है, ये बिलिंग काउंटर का। नेक्स्ट ये हो गया हमारा ये रिकॉन्डक्टरिंग वगैरह जो किया था उसका वो फोटो है। नेक्स्ट और ये है वो गुरुम वाला, उस दिन सर इसमें एक हिस्सा मर गया वो शायद नहीं, ये और ये गोलो नाला वाला मालूम जो काम किया है, ये वाला उनका काम किया, पान भी हो ही लाया था, ये रास्ता का वो कटिंग आज भी यूपी दो रुपये वाला दिखा था, इसमें मर गया था ना आदमी, नहीं नहीं इसमें नहीं, नेक्स्ट आइए सर वो राइट साइड में ट्रांसफॉर्मर है, ये रोड साइड थी उधर ग्रूम का ठीक ब्रिज के सामने में है, ये ट्रांसफॉर्मर रोड साइड में ही है, तो ये ट्रांसफॉर्मर ये ट्रांसफॉर्मर लगाने के वजह से वो एरिया वोल्टेज इशू था थोड़ा सॉल्व हो गया, लेकिन अभी फुल फंड आया नहीं इसका और फंड देना बाकी है, इस बार सिर्फ 21 लेग्स फिर आया है, फिर काम करेगा, फिर नेक्स्ट वाला नेक्स्ट ईयर फिर आएगा तो वो कर लेगा, लेकिन इस बार मिल भी सकता है एसआईडी में पूरा। तो उसमें क्या हो गया ट्रांसफॉर्मर में वो एरिया में एक एरिया में वोल्टेज नहीं मिला, तो हिसाब जो किया गया मतलब टची रहता है, थोड़ा तो पिया हुआ भी था गलती, तो उनका पीने का वजह लाइन काट के उठना चाहिए था, लाइन गेंद नहीं काट के उनके फ्यूज बांधने के लिए उठ गया, उसमें उनको लग गया और गिर गया। नेक्स्ट ये सरकारी थी जो एसएमएस से बागे तीन वाला तीनारी वाला, ये ताती ये हाईवे जैसे जैसे आरोप दिखा रहा है हम लोग को उस हिसाब से हम करते जा रहे हैं, और वो भी अफेक्टेड एरिया को सिर्फ एंटायर लाइन को नहीं मानते अफेक्टेड एरिया जहाँ जहाँ हाईवे हो हम लोग ये इफेक्ट हुआ है, ये तकलीफ की भी लाइन अभी पोल इरेक्शन हो गया पीटिंग सब ये हो गया अभी तार खींचना बाकी है। नेक्स्ट इतना ही है अभी कौन सी दीदी अब पावर का है क्या सीधी ये सीधी का ये टिकट का हाँ आपका तो मीडिया में बहुत एकदम अच्छा से आ रहा है आर डब्ल्यू कॉलोनी का उधर ऐसा सिचुएशन था, हम खुद गया तो देखा तो ऐसा है बिना बताए बना दिया, तो आप फिर भी आप जय को इमीडिएट इसको चेक कर दो बचना हो जाएगा, वो चेक करा दिया
इसको तो क्या आप जाके देखा है? तो क्या करेगा इसको? हाँ कोई बात नहीं, उसके लिए नहीं कटने तो नीचे से कटो ना, वो देखी जाए एक्चुअली बहुत सारे कंज्यूमर्स को। कोई बात नहीं, प्लान करके ही करना पड़ेगा। चलो बाद में बात करेंगे। खाना खाते रहिए आप लोग, खाने का टाइम हो गया। आज सी डी ए तो पूरा खत्म करके बस्ती में जा रहा है, आपका भी सुनने दिले से। सर सी डी बी में सर ये बोला ना भाई, 22-23 वो तो नया होगा क्या? हाँ हाँ ये ठीक है, ऑन गोइंग है, ठीक है ऑन गोइंग। हाँ ठीक है सर, ये 22-21 वाला ओ एम बी है। हाँ हाँ कोई बात सर, ये कभी कभी सर ये आपका ये 21-22 वाला में भी सर ऐसे स्कीम है जो फिजिकली कंप्यूटर फाइनेंशियली हम ओन गोइंग है क्योंकि फेजिंग ऑफ पान कर रहे हैं, तो उसको भी हम ट्रीट करता है ओन गोइंग। नहीं ऐसा वाला को आप लिस्ट बनाना, हम प्लानिंग को चिट्ठी लिख देगा ना सर, ऐसे बोल रहे सर जैसे कि 1 करोड़ दिया टोकन मनी लोकेशन दिया 20 लाख काम खत्म हो गया। वो सिस्टम है तो सर वो 1 करोड़ वाला भी आपको 2 साल तक दिखाते जाना पड़ेगा। तो नहीं ऐसा लोग को एक बना है सर, बोल रहे लेटर बना के लाओ, हम प्लानिंग को लिख देगा आज का डेट रिप्रेस। सर हम लोग का सी डी बी में सर 1 करोड़ स्कीम है, 21 में सर साधा में 2 है, तो सर ये साल में 21-22 ये एस आई डी ए बी आर ई में 45% काम कम्प्लीट हो गया, लेकिन अभी का जो करने का मन सर ये है। ऋतु को करना दो ना सर, तो सर ये इसको भी दो यहाँ सर, ये देख लीजिए साधा 21 में 2 स्कीम है, सी एम सी आर डी 1 है, एक स्कीम है ओन में है, सी सी आई 20 है, 19-20 में 1 है, तो सर ये वो का डिटेल्स भी याद नहीं आपका, रेस्टोरेशन ऑफ अपर विवेक बिहार रोड वो तो खत्म हो गया ना। तो सर ये है आपका फिजिकल है इसका बाकी है सर चल रहा है, तो खत्म तो हो गया तो सर सबको दिखाना है सर, फोटो का साथ दिखा दे, फोटो का साथ दिखाने से जल्दी हो, फोटो में ही बात करने से होगा उसको। हाँ फाइल फोटो रेस्टोरेशन ऑफ अपर बिहार बिहार एक चैलेंज 0.15 किलोमीटर बी एन जी आपका, ये डी एन वाला जो एंट्री वाला डी एन का ना। अच्छा कुछ बाकी है सर? नहीं डीएन से लेके पॉलिटेक्निक का वो आपका है ना, वो शुरू नहीं किया? नहीं सर वो हो गया थोड़ा, ये पॉलिटेक्निक तक पॉलिटेक्निक हो गया, 80% कुछ 45 मीटर जिसे बनाना है, ये जो एंट्री वाला जो रिटेनिंग वाला है। और नहीं अच्छा नहीं रिटेनिंग का नहीं, हम वो कार्पेटिंग का, कार्पेटिंग का नहीं सर, ये रिटेनिंग वाला शुरुआत में तो सर आप एनओसी भी नहीं दे रहा, अभी तो काम किया तो सही लग रहा है। नहीं अभी ठीक है, भगवान को हम लोग डर के काम करते हैं, आप लोग सरकार से डर के काम करने से तो सही काम होता है, थोड़ा डराना पड़ता है।
ये वर्ड में क्या बोला, एनी पर्सनल डैमेज होगा दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम साइड इंजरी का। हां मैम, तो सर ये सेकंड वाला ये है आपका कंस्ट्रक्शन परमानेंट ब्रिज ओवर रिवर मचिन सेंट्रल जेल, तो सर इसको भी नाम से तल बीजू ब्रिज नहीं है। सर इसको है उसका आरसीसी ब्रिज है सर, उसका 100 मीटर फन का है। ये सर दो अभी आपका ये पेयर जो बन रहा है वो दोनों बाकी वो कहाँ में सेंट्रल जेल से पीछे में जाके ब्रिज उधर बने उस पार करेगा। ये क्या का है? तो सर ये आपका ऑयल फाउंडेशन है, दो मीटर का बीच में दो होगा, ऑयल फाउंडेशन बीच में दो सब में ऑयल फाउंडेशन है सर, ऑयल फाउंडेशन है। कितना डेप्थ तक जाता है मीटर और लेगो साथ डिजाइन किया। तो सर ये जो सर इम्प्रूवमेंट ऑफ टाउनशिप रोड और ईटानगर नाहरलगुन सीएमसी अभी भी सेकंड फेज जो काम चल रहा है तो उसमें सर सीसी पेमेंट जो सर 19.5 किलोमीटर था और कार्पेटिंग वाला बिटुमिनस वाला सर 12 किलोमीटर था, 31.65 किलोमीटर। तो उसमें सर हमने अचीव किया सर ये 19 में अभी तक 11.25 किलोमीटर और हमको सर अभी सर 8 किलोमीटर बाकी है। अच्छा चल रहा है, अगर वो उसका अलावा बच जाएगा रास्ता 8 किलोमीटर में और बजट अनाउंसमेंट में से सीएमसी और डीपी में सर हम लोगों को सेकंड पेज दिया 80 करोड़ का। अच्छा तो उसमें तो उस सीडीबी को सर 28 दिए और सीडीए को 12 करोड़ और मैक्सिमम आपका 45 है वो भी उसी नार्दन को लिया, तो नार्दन में सर नेटवर्क बहुत है रोड नेटवर्क, तो सीडीए का तो सर ऑलमोस्ट एडजस्ट हो गया, हम लोग टाउन में करके बाहर कर रहे हैं तो बस्ती वाला में, तो सर होपफुली सीएमसी या डीपी सेकंड फेज इम्प्लीमेंटेशन होने का बात तो सर 99.5% नहीं जुलम रोड क्यों नहीं बना पा रहा है ये सबसे एवरी डे 2-3 आदमी तो हमको गली देते हैं सर। जुलम रोड भी सर ये तो ये साल का ये बजट अनाउंसमेंट में आया तो उसका सर पहले हमने 48 करोड़ का डीपीआर दिया, तो फाइनेंस से सर फिर क्वारी लगा के कि नेरिस से बेटिंग कराना है तो हम लोग को फिर वापस किया, आप लोग फिर नेरिस में भेजा, फिर नेरिस वहां से स्क्रूटिनी करके वो बोला कुछ कुछ आपका आइटम वगैरह चूक गया, रिकास्ट करके 63 करोड़ का भेजा। अच्छा उसको हम लोग फिर भेजा तो फाइनेंस वाला बोलता है ये तो ज्यादा हो गया, फिर बोल के फिर 38 करोड़ में आप लोग रजिस्ट्री कर दो तो पप्पू नारायण से जुली रोड तक आगे कर दो तो सेकंड फेज शुरू होगा। फिर सैटरडे को फिर सीएम और कोई क्षेत्र फोन आया, हमें पहले का 48 में देगा तो आप लोग पूरा करेगा क्या, भी कंफ्यूजन में तो सर आप लोग 38 वाला बोरी का उसके भेज रहे हैं। बारिश चला जाए, बारिश आ जाएगा ना, ये अच्छा मौसम था, हाँ बोल देना था, बाद में देखा जाएगा ना सर, हो जाएगा हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट टेंडर को होगा अमाउंट जो सर हम लोग फिक्स करने में थोड़ा कंफ्यूजन लगा, 38 देगा ना 48 देगा, तो 38 वाला को सर हम लोग यहाँ से भेज रहा है, तो हम लोग बोला कि आप लोग जब सीसीआई मीटिंग में भेजने से तो आप पहले का अमाउंट में 48 को सेक्शन कर देने से हो गया, तो होने से गवर्नमेंट का वही बोलना है कि वर्किंग सीजन तो अभी लिमिटेड होगा, अभी काम करना है तो इसलिए दो तीन पैकेज बना दो, दो तीन पैकेज करो तो सर हम लोग इसलिए दो कम से कम सीसी में दो करेगा और आपका जुलम रोड का डेली हमको गली देता है, ये लोग सोचते है ना सब कुछ हम करता है पब्लिक, गंगा से ये पोर्शन बड़ा थोड़ा खराब है,
अदरवाइज हुआ तो हम लोग नहीं नहीं नर्सिंग भी किया नहीं नहीं तो करोड़ लगे से सर हम लोग ग्रेडर हायर करके एक दिन दो दिन हायर किया नहीं हाँ वो तो देखा है फिर भी बना दीजिए ना सीसी इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट जैसे सोच के आप लोग भी लगो पैसा देने से हो जाएगा फिर लेट मत करो टेंडर जो है आप पैकेज तीन चार पैकेज बना के सबको एंगेज कर दो सर ये सीएमसी और बीपी का थोड़ा फोटो दिखा देते हाँ ये कहाँ का है ये कारपेटिंग रोड विवेक बिहार टाइप फोर विवेक बिहार ना टाइप फोर हाँ कब किया इसमें थोड़ा आर्किमिशन का अंदर में थोड़ा से देख दो ना पहले 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 आप किया था सीडीएन सीडी भी थोड़ा रास्ता को थोड़ा वो पार्किंग एरिया में थोड़ा से फिर गड्ढा बहुत हो गया उसको देख लेता वो मैंने आने से पहले किया था हाँ वही तो गोमकाप समय में किया था थोड़ा वेदर अच्छा होने से ये अभी जो ये आपके मिशन कम्प्लीट हो रही है हाँ वही वही शिव मंदिर तो इतापोर्ट कुछ है इताफोर्ट हाँ ये उसमें क्या था वहाँ में सर बीसी हुआ क्या हाँ बीसी होना हाँ वहाँ में वाल निकाल के ना मंदिर तरफ में वाल नहीं 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 वहाँ से मंदिर जाना है एक्चुअली क्या होता है कोई कोई लोग बाहर का गेस्ट आता है ना इताफोर्ट दिखाने लायक वही सिर्फ है सर वहाँ में लगता है एक तो प्राइवेट स्कीम है तो रिटेनिंग वाल है हाँ 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 वो जो है हेलीपैड जाएगा और एक तो यहाँ वो इताफोर्ट जाएगा वो जम्बे तहसील का घर है क्या उसका ऑपोजिट सर हम देख लेते हैं सर इतना कोना कोना है सर अभी भी हम कन्वर्सेशन नहीं है ना लेकिन तो पूरा मालूम हो गया यहाँ पे ऐसे कॉलोनी थोड़ा देख लो बारिश जो है ना थोड़ा से देख लो क्वालिटी को आदमी लोग बहुत गाली देते रहते हैं काम इतना स्पीड अप नहीं करता क्योंकि हम लोग का वो बेचिंग प्लांट तो वहाँ में है नाचू गाली में तो रास्ता बीच में जो बीच में इतना खराब हो गया और सर मिलर वगैरह ब्रेक डाउन होता है उसमें तो स्पीड कम है थोड़ा सा प्रॉब्लम ठीक है और सर ये अप्रोच रोड और देवी कॉलोनी ओका विलेज जोरन सर प्राइवेट स्कीम में काम तो किया है सर ये अप्रोच रोड फ्रॉम अपर विवेक बिहार टू हादन कॉलोनी सर ये काम चल रहा है सर ये हाँ ये पोटो को जोरन दिखे ये फॉर्मेशन कटिंग प्रोटेक्शन वाल सर प्रोटेक्शन वाल आ रहा है कि नहीं आ रहा वो पता कर लेता है ठीक है सर कोच रोड फ्रॉम जुलंग पागा तरा टू तर विलेज अंदर पापू वन प्राइवेट स्कीम है सर हम जो बता रहा है हम स्कोप का मुताबिक हो रहा है कि नहीं तो सर आती है तो अभी पूरा भरा हुआ है जैसे वो बी ए ऑन गोइंग डाला है नेक्स्ट डे में पूरा एक अपनी पूरा बंडल लेके आया तो सर हम लोग भी होशियार हो जाता है क्या अभी नहीं वही नौकरी बचाओ नौकरी बचाने जो है अभी सर उस दिन भी सर वो पूरा एफआईआर लॉन्च कर दिया तालो साहब का अगेंस्ट में हम रिस्की है तो सर ये एक जुलन रोड टू सीजू कॉलोनी माया दो करोड़ वाला सर ये थोड़ा अभी स्कीम टेंडर तो कर दिया चालू नहीं होगा
काम ये तो नहीं काम नहीं हुआ काम ये ये भी तुम्हारा एक बार ना लेकर आएगा ना सीधी भी ऐसे भी कंप्लीट चल रहा है ना लोग मरा लेगा ना इतना लोग मरा लेगा ये रिटेनिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सीसी पेमेंट रिटेनिंग वर्क फ्रॉम लपंग हाथी ट्राई जंक्शन पॉइंट टू अपर लपंग हाथी कॉलोनी इतना सर ये आपका एस्टिमेट अगर 3 करोड़ का है ये भी सारा काम शायद शुरू नहीं हुआ ये होने ही जा रहा है तो ये आती है सर ये लपंग हाथी रिटेन प्रोटेक्शन कहाँ है लपंग हाथी ये दोपहर दोनी कॉलोनी बीच में ना वो नीचे डाउन डायरेक्ट होता है ना वहाँ भी लेकिन रिटर्निंग वाला जो चल रहा था ये वो डायरेक्ट थोड़ा सा ये भी सिर्फ डायरेक्ट ये सब दो दिन का फोटोग्राफ है तो मार जाएगा ब्रेक नहीं होने वाला गाड़ी भी नहीं ना ये जरूरी है डाउन है बहुत बहुत वो अंदर में है ना वो एक ही जगह ही गाड़ी घुसने जगह उसका दूसरे जगह नहीं है उसको लपंग हाथी कॉलोनी इतना सुंदर से रखा है तो ये बार सर एक कंस्ट्रक्शन रोड वाइडिंग एंड रिटेनिंग वॉल काल घोड़ा शिव मंदिर ये सेकंड ये वाला आपको देखा होगा ना हाँ तो वही है भी था आपका फिजिकल एक्सपेंडिचर सर सर अभी तो मुझे दिया वर्क इन प्रोग्रेस है वर्क इन प्रोग्रेस सर ये कंपाउंड हुआ एक समाल लान पलात राजूला ओ ये समाल जो जो एक आदमी है ना उसका नाम से प्राइवेट स्कीम में सर पलात राजूला ये सर कंस्ट्रक्शन ऑफ ये न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के डेरा नतुल है सर ये काम जैसे चालू हुआ तो ये आर्ट कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है ये सर 7 करोड़ का सर उस दिन एक बार मीटिंग में नहीं बताया था आपका डीपीएल बना के कोई बड़ा ये आपका एनईसी से